आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। अपने धंधे में जान का भरोसा नहीं होता। धंधा गोली से नहीं चलता है, दिमाग से चलता है। आदमी छोटा हो या बड़ा उसे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो उसके हवाले से। इस हृदय को बंदूक में डाल, ट्रिगर दबा। ये भूल कर भी मत करना, यहाँ टिक गया ना तो टिक गया नीचे दबा होगा। नया हीरो कहता है जब बात मोहब्बत की हो तो उसका रास्ता कोई सरहद या कोई दीवार नहीं रोक सकती, लेकिन इस शायरी को सच कर दिखाया है रियल लाइफ में एक प्रेमी जोड़े ने। जब पाकिस्तानी लड़की और भारत के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उनको हम सफर बनने के लिए ना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इस कपल ने ना 2 फरवरी 2021 को शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। दरअसल ये लास्ट स्टोरी भोपाल के तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की है, जिनकी प्रेम कहानी आज से 8 वर्ष पहले एक हुक्का लाउंज में शुरू हुई थी। हीरा 2013 में भोपाल में रहने वाली अपनी नानी के घर आई हुई थी, जहां वो अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ बिटन मार्केट के एक हुक्का लाउंज में पार्टी करने के लिए गई थी। इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड ने तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की मुलाकात करवाई। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से फोन पर खूब बातें करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी वो कब प्यार में बदल गई दोनों को भी पता नहीं चला। जब साल 2017 में हीरा वापस अपने देश और घर पाकिस्तान जाने लगी तो तारिक की आंखें जो थी वो नम हो गई। वो एक दूसरे की जुदाई ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तारिक ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हीरा ने इस दौरान मुझसे ये कहा था कि अपनी अम्मी से तो एक बार मिलवा दो। जब दोनों आपस में मिली ना तो दोनों भावुक थी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी अम्मी को ना हीरा के बारे में बता कर रखा था। अम्मी ने हीरा से कहा कि बेटे तुम मेरे घर की बहू बनोगी क्या? हीरा ने कहा मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो अपने देश पाकिस्तान चली गई। करीब 1 साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इसके बाद दोनों के घर वालों ने तारिक और हीरा की शादी के बारे में बातचीत की और विवाह के लिए तारीख निकालने लगे। लेकिन इसी दौरान 14 फरवरी 2019 को ना पुलवामा में अटैक हो गया, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो था वो और भी बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद ही भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे माहौल जो था वो ज्यादा गर्म हो गया। इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बातें होने लगी, लेकिन क्या करे, देश भी लौटना था और निकाह भी करना था। इसी तरह 2 मार्च 2019 को 24 घंटे में तारिक और हीरा का निकाह हो गया, जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लगी। दोनों के परिजनों ने कहा कि अब शादी की बाकी की रस्में ना बाद में करेंगे, लेकिन इसी दौरान देश में CAA NRC वाला कानून जो था वो पास हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में ना विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसके चलते घर वालों ने शादी की रस्मों को और आगे बढ़ा दिया। जैसे तैसे CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया। इस तरह हमारी शादी ना फिर रुक गई। निकाह के करीब 2 साल तक ना हम लोगों को तो शादी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर कहीं जाकर 2 फरवरी 2021 को शादी करके ना एक दूसरे के पति पत्नी बन पाए। हीरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे टीवी न्यूज और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग दोनों देशों के रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जितनी तलखी दिखाते हैं ना उतनी असल में है ही नहीं। भारत के नागरिक काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए ना इतनी नफरत नहीं है। मेरी अम्मी भोपाल की ही रहने वाली है, मेरा बचपन भी यहीं पर गुजरा है, इसलिए मुझे भोपाल जो है वो बहुत पसंद है। तारिक ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भोपाल SP ऑफिस पहुंचे थे, यहाँ एक अफसर ने मुझसे पूछा कि तुमने आखिर पाकिस्तानी लड़की से ही क्यों शादी करी, तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया कि जब पाकिस्तानी सानिया मिर्जा को हमारे देश से लेकर जा सकता है तो क्या हम उनके देश की बेटी को नहीं लेकर आ सकते हैं। मैंने सानिया का बदला पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस कहानी का छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है गदर 2 में।
कहा यह जा रहा है कि इस बार भी सनी देओल अपने प्यार के लिए ना करेंगे देश की सरहदों को पार। और आपको बता दें कि इस बार ना हैंडपंप नहीं बल्कि भारी भरकम पहिया उठाते नजर आएंगे तारा सिंह। हाल ही में इस फिल्म से सनी देओल का ना फर्स्ट लुक सामने आया है। जी स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक झलक दिखाई गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होगी। बता दें कि इस छोटे से 50 सेकंड वाले वीडियो में सनी देओल का तारा सिंह वाला किरदार भी नजर आ रहा है। इस लुक में तारा सिंह ना भारी भरकम पहिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ना फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इसी कारण सोशल मीडिया पर #GadarToo ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने कहा, सनी भाजी वाह क्या लग रहे हो आप। एक ने कहा, मैं और गदर 2 का इंतजार नहीं कर सकता। गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी देश के विभाजन पर बेस्ड थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की गदर 2 फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास यानी कि अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है। पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर तो चाहा है लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनको बांग्लादेश चाहिए था लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वॉर के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई और इस वॉर में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 16 दिसंबर वो दिन है जो भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हमेशा के लिए याद रहेगा। इस दिन जहां भारत और बांग्लादेश गर्व से सर उठाते हैं वहीं पाकिस्तान शर्मिंदगी से सर झुकाता है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर जीता था जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ और उस समय उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और उसी दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। और इस वॉर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी ऐसी वॉर बताई गई है जिसमें सेना ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान ने युद्ध अपने गुरूर में आकर किया था क्योंकि उसको दिखाना था कि उसका एयर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए उसने इंडिया के 11 एयरबेस पर हमला भी करवाया था जिसमें इंडिया के तीनों सेना ने एक साथ लड़ाई की थी और इंडिया ने पश्चिम में पाकिस्तान को सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और लगभग 15,000 किलोमीटर पाकिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। इंडिया और पाकिस्तान का ये युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और इस युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से माना जाता है लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान को आज भी खुद शर्मिंदा होने की याद दिलाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुई जिसमें इंडिया के सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर उसके सारे सैनिकों को कब्जे में कर लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई। ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए इस युद्ध में इंडिया के 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ये युद्ध खुद के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ रहा था। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष बंगाली आबादी खासकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले पर हमले करा रहा था जब पाकिस्तान के अत्याचार बढ़े। एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया तो ठीक उसी समय उन्होंने सेना के लीडर जनरल सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के खिलाफ हमला अभियान शुरू करने का ऑर्डर दे दिया जिसके बाद इंडिया ने अपने पड़ोसी के खिलाफ पूरा जोर लगाकर ये युद्ध लड़ा। बांग्लादेश ने सारे कंट्री से इस मामले पर मदद करने की अपील की लेकिन इंडिया के पास वक्त कम था और उसके बाद हड़बड़ाहट में एक कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी जिसमें 6 दिसंबर को संसद में ये अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि भारत ने बांग्लादेश सरकार को अपनी मान्यता दे दी थी जिसके बाद भारत ने युद्ध लड़ा और उसे जीत भी मिली। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है फिल्म गदर 2 में। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब पिछली वीडियो में तो हमने ये देखा कि कैसे रवि एक फेक स्टोरी सुना देता है जिस स्टोरी को सुनने के बाद सबसे ज्यादा इमोशनल होती है शकीना यानी कि अमीषा पटेल क्योंकि वो उस स्टोरी से कनेक्ट कर पा रही थी। अब रवि देख लेता है कि शकीना इस स्टोरी को लेके काफी ज्यादा इमोशनल है तो वो सोच लेता है कि उसका यही इमोशन उसके प्लान को आगे बढ़ाएगा। अब क्या करेगा रवि,
और क्या रवि का प्लान हो पाएगा कामयाब, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में। अब रवि यानी अतुल कुलकर्णी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से तारा सिंह यानी सनी देओल के परिवार के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है और वो उनके साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट भी हो जाता है, जिससे उनको उस पर पूरी तरीके से विश्वास हो जाए और वो अपना काम बहुत ही आसानी से कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि रवि यानी अतुल कुलकर्णी का ये झूठ काफ़ी दिन तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि एक सुबह जब वो छत पर अपने किसी सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था तो तारा सिंह उसकी बातें सुन लेता है, जिसमें रवि बोलता है कि सर बस हमारा प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है, हमारा प्लान बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने फैमिली को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट फैमिली है और शकीना भी जा सकती है ट्रेन होने के बाद पाकिस्तान। अब ये सारी बातें तारा सिंह को उस वक्त तो समझ नहीं आती, तो वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी शाम जब तारा सिंह को उसके कमरे में कुछ काम था तो वो देखता है कि रवि के बेड पे कुछ रखा हुआ है। वो पास जाता है तो वो देखता है वो एक नकली दाढ़ी थी। ये देखने के बाद तारा सिंह यानी सनी देओल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, पर वो उस टाइम उस कमरे से बाहर चला जाता है। तारा सिंह के जाने के थोड़े देर के बाद रवि वॉशरूम से बाहर आता है और वो अपनी नकली दाढ़ी को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे वो नकली दाढ़ी कैसे मिलती, क्योंकि अब तो वो तारा सिंह के हाथ में लग चुकी थी। अब वो ये सब ढूंढ ही रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है कि क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो। इस आवाज़ को सुनने के बाद रवि डरते हुए पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि तारा सिंह यानी सनी देओल के हाथ में उसकी वही नकली दाढ़ी थी। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर वो कुछ बोल पाता वैसे ही तारा सिंह उसको मारने लगता है। अब शोर की आवाज़ सुनने के बाद शकीना भी जल्दी से कमरे में आ जाती है तो वो इस लड़ाई को किसी तरीके से रोक देती है। लेकिन ये क्या, तारा सिंह तो रवि यानी अतुल कुलकर्णी की कोई बात ही सुनने को रेडी नहीं था। फिर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद रवि यानी अतुल कुलकर्णी अपनी बात बोलता है कि वो एक रॉ एजेंट है और वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है, जिसके बाद वो अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे इंडिया पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए उन्हें शकीना की मदद चाहिए ताकि वो पाकिस्तान जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन ये क्या, ये बात सुनने के बाद तो तारा सिंह को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, हमें कुछ नहीं करना है इस मिशन के साथ। अब बहुत ज़्यादा ट्राई करता है रवि कि तारा सिंह उसकी बात समझ जाए और उसकी बात मान ले, लेकिन तारा सिंह अपने परिवार को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। वो उसको घर से निकाल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं जाऊंगी। ये आवाज़ होती है शकीना की। शकीना बोलती है कि मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगी और इंडिया के लिए ये काम करूंगी। अब शकीना के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तारा सिंह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब क्या तारा सिंह बदल पाएगा शकीना का फैसला और कैसे करेगी शकीना इस मिशन को पूरा। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाला है। लोगों को एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी जमकर एंटरटेन करने वाली है। लोग इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सनी देओल और अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म गदर 2 से जुड़ा अपडेट शेयर किया है। दोस्तों, असल में फिल्म में अपने प्रीक्वल के हिट सॉन्ग उर्जा काले कावा और दूसरे सॉन्ग को एक अलग वर्जन को शामिल करने का प्लान मेकर्स ने बना लिया है। गदर एक प्रेम कथा में कुछ बेहतरीन धुने भी थी जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। दोस्तों, रिलीज हुई इस फिल्म में उर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके जैसे लोकप्रिय ट्रैक थे। अब फिल्म के बारे में नवीनतम चर्चा ये है कि मूल फिल्मों के कुछ गानों को सीक्वल के लिए रिक्रिएट किया जाएगा। निर्माता फिल्म के लिए दो प्रतिष्ठित गाने उर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके फिर से इन दोनों को बनाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही गदर 2 से वैलेंटाइन स्पेशल पर एक पोस्टर भी शेयर किया गया था। इस पोस्टर में सनी देओल और अमीषा पटेल एक दूसरे को प्यार भरे अंदाज से निहारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अमीषा पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म गदर 2 का मोशन पोस्टर शेयर किया है। दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल ने अपनी पोस्ट के साथ एक जैसा कैप्शन लिखा है। फिल्म गदर 2 के स्टार्स ने लिखा कि क्या आप तारा सिंह और सकीना की इस एपिक लव स्टोरी को एक बार फिर से देखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर शेयर की गई पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। सनी देओल की पोस्ट पर अधिकतर फैंस कह रहे हैं कि वो फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर सकते।
फिल्म का पहला शेड्यूल पिछले साल दिसंबर में पालमपुर में शुरू हुआ था। फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह की भूमिका निभाई है, जबकि हीरोइन अमीषा पटेल ने सकीना की भूमिका निभाई है और अब बड़े हो चुके उत्कर्ष ने उनके बेटे चरणजीत उर्फ जीते की भूमिका निभाई है। फिल्म का सीक्वल उत्तर भारत में 20 साल के अंतराल के बाद शुरू हुआ है, जहां से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन भी अनिल शर्मा ने ही किया था। फिल्म गदर में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का रोल निभाया था। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। 47 पार्टीशन में आई ब्लड ट्रेन्स। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ब्रिटिशर के पार्टीशन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही इंसानों का इंसानों को मारना शुरू हो गया था। पड़ोसियों ने पड़ोसियों को मार डाला, बचपन के दोस्त दुश्मन बन गए और इंसानों के इस धरती से इंसानियत का नामो निशान मिट गया। बंगलोज और मेंशंस को जला दिया गया और लूट लिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों को उनके भाई बहनों के सामने मार दिया गया। तो नए देशों के बीच पैसेंजर्स से भरी ट्रेन जब डेस्टिनेशन पर पहुंची तो लोगों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थी। उन सबको रास्ते में ही भीड़ ने मार डाला। लाशों का सन्नाटा और उनकी बॉडीज से बह रहे खून से लथपथ ट्रेन को ब्लड ट्रेन का नाम दिया गया, क्योंकि उनके दरवाजे से न जाने कितने मासूम लोगों का खून बह रहा था। आज भी जब कोई पार्टीशन का सर्वाइवर अपना हॉरिफिक एक्सपीरियंस बताता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे सरदार जोगिंदर सिंह, एक सिख जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के एक गांव में रहने वाले एक टीनेजर थे। उन्होंने याद किया कि कैसे पार्टीशन के वक्त उनके गांव के लगभग सभी पुरुषों को हमलावरों ने मार डाला था। उन्होंने बताया था कि गांव के 25 में से 18 पुरुष एक हमले में मारे गए थे, और उन्होंने एक सिख महिला को भी याद किया जिसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक गुरुद्वारे के अंदर आत्महत्या कर ली थी। उस महिला का नाम वीरावाली था। वो बहुत सुंदर महिला थी, लेकिन दंगों के दौरान मुस्लिम उसका पीछा कर रहे थे। उनके गांव में एक गुरुद्वारा था, इसीलिए वो शरण लेने के लिए गुरुद्वारे के अंदर भाग गई। वहां पहले तो वीरावाली ने होली बुक्स के लिए अपना माथा टेका और फिर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। सरदार जोगिंदर जी कहते हैं कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे सब कुछ अचानक बदल गया था और सबको कुछ हो गया था, मानो इंसानियत मर गई हो, हर कोई शैतान बन गया हो। एक और कहानी नसीम फातिमा की, जो दिल्ली के करोलबाग में रहती थी। उनका एक खुशहाल बचपन वहीं बीता था, लेकिन पार्टीशन के दौरान उसने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया। उनके माता पिता, दादी और 4 भाई बहने मारे गए, जिससे पूरे परिवार में से वो अकेली थी जो जिंदा बची थी। लेकिन उनका परिवार भारत जाने वाले ट्रेन में चढ़ नहीं पाया, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ थी। लोग ट्रेन की छत पर बैठे थे और कम से कम जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन पिता ने ट्रेन से बाहर आने का फैसला किया और वो लोग वहीं रुक गए। और अगले दिन उन्हें ये सुनने को मिला कि पूरी ट्रेन की सवारी मारी गई थी। गांव के उनके जो दोस्त उसी ट्रेन में थे वो सब मारे गए। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आज भी सुनते हैं तो सुनकर ही डर लगने लगता है, क्योंकि एक पल था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में इतनी मिलती जुलती संस्कृति और भाईचारे की वजह से बहुत प्यार था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन की बात हुई, दोनों देशों के लोगों के अंदर एक दरिंदा जग गया। अपने ही भाइयों, बहनों, माँ बाप और बच्चों को मारते हुए, काटते हुए और जलते हुए देखना एक बहुत बुरे सपने की तरह है। जिन लोगों ने इन्हीं यादों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाया, उन्हें हमारा सलाम है। इन सर्वाइवर्स की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ईयर 1930 में लुडोविक 10 साल का था जब वो पहली बार लीला ब्रोनिका से मिला। वो एक पुलिस रईस की बेटी है जिसके पास कलेरी के पास एक संपत्ति है। लुडोविक लीला से मंत्रमुग्ध है। अपनी अचूक याददाश्त के शिकार वो 4 साल के दौरान उसके लौटने का इंतजार करेंगे। दोस्तों, वो पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से उसके प्यार में है। लीला अपने परिवार, अपने जर्मन चचेरे भाई हंस वॉन श्रेडे और उनके आश्रित ब्रूनो के साथ कलेरी लौटती है। लूडो लीला और उसके भाई टाट से दोस्ती करता है।
हंस और ब्रूनो के साथ चीजें अधिक जटिल हैं, जो उसके साथ प्यार में भी हैं। लूडो को उनकी संपत्ति में आमंत्रित किया जाता है और उसे और उसके परिवार को जाना जाता है। 1930 के दशक में लीला ने अपना सारा ग्रीष्मकाल कलीरी में बिताया और उसका प्रेम संबंध बढ़ता गया। इस दौरान लूडो काउंट ब्रोकी के सचिव के रूप में काम करता है। 1939 में लूडो लीला में गर्मियां बिताने के लिए पोलैंड जाता है और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तब भी वो वहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर एक फ्रांसीसी गांव के लड़के को एक कुलीन पुलिस लड़की से प्यार हो जाता है। नायक फ्रांसीसी प्रतिरोध में शामिल होता है, लेकिन अत्याचार का सबसे बड़ा प्रतिरोध उसके खोए हुए प्यार के प्रति उसकी वफादारी में निहित है। प्रेमियों को प्रतीक्षा करने और आशा करने में सक्षम होना चाहिए और सबसे बढ़कर याद रखने के लिए, और इसीलिए लड़का अपने प्रेमी की वापसी की प्रतीक्षा करता है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने प्यारे फ्रांस की वापसी की प्रतीक्षा करता है जबकि नाजी झंडा खिड़कियों से लटका हुआ है। गर्व और अस्तित्व की एक विडंबनापूर्ण कहानी तब शुरू होती है जब खतरे से बचने की कोशिश में वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गोलियों के निरंतर आदान प्रदान, तकरार और अधिक अस्पष्ट स्थितियों के बीच ये एक अप्रत्याशित अंत के साथ मानव कनेक्शन की यात्रा में विकसित होता था। कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई, हो सकता है कि गदर 2 में इस कहानी से ये इंस्पायर्ड हो। पाकिस्तान की लड़की का कश्मीरी रोमांस, साथ रहने से बढ़ेगा प्यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही लड़ाई में अगर कोई स्टेट है जो फंसा हुआ है तो वो है कश्मीर। जहां कश्मीर को हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं, वहीं ये जितना सुंदर है इसने उतनी ही ज्यादा लड़ाई और उतनी ही ज्यादा वॉर्स देखी है, और लगता है कि यही वजह है कि ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कश्मीर अपनी सुंदरता नहीं खोता है। एक बार फिर से कश्मीर की ये सुंदरता हमें दिखने वाली है गदर फिल्म के सीक्वल गदर 2 में। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ गदर फिल्म के साथ हमने देखा कि सकीना और तारा सिंह वापस भारत में घुस आते हैं और अपनी जिंदगी आगे जीते हैं, तो आपको बता दें कि गदर फिल्म के सीक्वल में उनकी इस जिंदगी का हमें एक नया पहलू देखने को मिलेगा। ये दोनों चले जाएंगे कश्मीर में रहने के लिए, जहां उनका बेटा जीते अब बड़ा हो चुका है और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंस माहौल और एक युद्ध को देखकर घबरा जाता है। भारत और पाकिस्तान के इसी युद्ध में बदल जाती है जीत की किस्मत। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1962 के वॉर की। तो कहानी है जीत की, जो एक बार घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जो पाकिस्तान से भटक कर भारत के बॉर्डर पर आ चुकी है, अधमरी सी पड़ी हुई है, वो उसे घर ले आता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है। उसका साथ देते हैं तारा सिंह और सकीना, और कुछ समय के बाद जब लड़की होश संभालती है तो वो घर आ जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे देश में है जहां वो किसी को नहीं जानती। लेकिन धीरे धीरे जब वो ये देखती है कि तारा सिंह, सकीना और जीते तीनों ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो उसकी वो खुशी वापस आ जाती है। लेकिन अपने घर वालों की उस याद को वो भुला नहीं पाती, जिसकी वजह से जीते उसे वापस छोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। इसी बीच कश्मीर के प्यारे बैकग्राउंड और सकीना और तारा सिंह के प्यार से उसका मन बदल जाता है और वो रह जाती है भारत में ही और बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए जीते की। तो दोस्तों ये होने वाली है गदर 2 की कहानी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी में आने वाले हैं और ट्विस्ट, और इन्हीं ट्विस्ट को देखने के लिए हम कर रहे हैं गदर 2 की रिलीज का इंतजार। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा। सर आपने फिल्मों में प्यार के लिए ना कहीं डायलॉग सुने होंगे, जहाँ हीरो कहता है जब बात मोहब्बत की हो तो उसका रास्ता कोई सरहद या कोई दीवार नहीं रोक सकती। लेकिन इस शायरी को सच कर दिखाया है रियल लाइफ में एक प्रेमी जोड़े ने। जब पाकिस्तानी लड़की और भारत के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उनको हम सफर बनने के लिए ना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्यार की खातिर प्रेमी जोड़ा सरहद के तनाव, राजनीति और कोरोना जैसी महामारी को भी पार कर गए। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इस कपल ने ना 2 फरवरी 2021 को शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। दरअसल ये लव स्टोरी भोपाल के तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की है, जिनकी प्रेम कहानी आज से 8 वर्ष पहले एक हुक्का लाउंज में शुरू हुई थी। हीरा 2013 में भोपाल में रहने वाली अपनी नानी के घर आई हुई थी, जहां वो अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ बिटन मार्केट के एक हुक्का लाउंज में पार्टी करने के लिए गई थी। इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड ने तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की मुलाकात करवाई। फिर क्या था,
दोनों एक दूसरे से फोन पर खूब बातें करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी वो कब प्यार में बदल गई दोनों को भी पता नहीं चला। जब साल 2017 में हीरा वापस अपने देश और घर पाकिस्तान जाने लगी तो तारिक की आंखें जो थी वो नम हो गई। वो एक दूसरे की जुदाई ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तारिक ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हीरा ने इस दौरान ना मुझसे ये कहा था कि अपनी अम्मी से तो एक बार मिलवा दो। जब दोनों आपस में मिली ना तो दोनों भावुक थी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी अम्मी को ना हीरा के बारे में बता कर रखा था। अम्मी ने हीरा से कहा कि बेटी तुम मेरे घर की बहू बनोगी क्या? हीरा ने कहा मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो अपने देश पाकिस्तान चली गई। करीब एक साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इसके बाद दोनों के घर वालों ने तारिक और हीरा की शादी के बारे में बातचीत की और विवाह के लिए तारीख निकालने लगे। लेकिन इसी दौरान 14 फरवरी 2019 को ना पुलवामा में अटैक हो गया, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो था वो और भी बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद ही भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे माहौल जो था वो ज्यादा गर्म हो गया। इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बातें होने लगी, लेकिन क्या करे, देश भी लौटना था और निकाह भी करना था। इसी तरह 2 मार्च 2019 को 24 घंटे में तारिक और हीरा का निकाह हो गया, जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लगी। दोनों के परिजनों ने कहा कि अब शादी की बाकी की रस्में ना बाद में करेंगे। लेकिन इसी दौरान देश में CAA NRC वाला कानून जो था वो पास हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में ना विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसके चलते घर वालों ने शादी की रस्मों को और आगे बढ़ा दिया। जैसे तैसे CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया। इस तरह हमारी शादी ना फिर रुक गई। निकाह के करीब 2 साल तक ना हम लोगों को तो शादी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर कहीं जाकर 2 फरवरी 2021 को शादी करके ना एक दूसरे के पति पत्नी बन पाए। हीरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे टीवी न्यूज और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग दोनों देशों के रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जितनी तलखी दिखाते हैं ना उतनी असल में है ही नहीं। भारत के नागरिक काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए ना इतनी नफरत नहीं है। मेरी अम्मी भोपाल की ही रहने वाली है, मेरा बचपन भी यहीं पर गुजरा है, इसलिए मुझे भोपाल जो है वो बहुत पसंद है। तारिक ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भोपाल SP ऑफिस पहुंचे थे, यहाँ एक अफसर ने मुझसे पूछा कि तुमने आखिर पाकिस्तानी लड़की से ही क्यों शादी करी? तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया कि जब पाकिस्तानी सानिया मिर्जा को हमारे देश से लेकर जा सकता है, तो क्या हम उनके देश की बेटी को नहीं लेकर आ सकते हैं? मैंने सानिया का बदला पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस कहानी का छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है गदर 2 में। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी सनी देओल अपने प्यार के लिए ना करेंगे देश की सरहदों को पार। और आपको बता दें कि इस बार ना हैंडपंप नहीं बल्कि भारी भरकम पहिया उठाते नजर आएंगे तारा सिंह। हाल ही में इस फिल्म से सनी देओल का ना फर्स्ट लुक सामने आया है। जी स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक झलक दिखाई गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होगी। बता दें कि इस छोटे से 50 सेकंड वाले वीडियो में सनी देओल का तारा सिंह वाला किरदार भी नजर आ रहा है। इस लुक में तारा सिंह ना भारी भरकम पहिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ना फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इसी कारण सोशल मीडिया पर #गदर2 ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने कहा, सनी भाजी वाह क्या लग रहे हो आप। एक ने कहा, मैं और गदर 2 का इंतजार नहीं कर सकता। गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी देश के विभाजन पर बेस्ड थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की गदर 2 फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास यानी कि अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप गदर 2 का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अक्सर आपने फिल्मों में प्यार के लिए ना कई डायलॉग सुने होंगे, जहाँ हीरो कहता है जब बात मोहब्बत की हो तो उसका रास्ता कोई सरहद या कोई दीवार नहीं रोक सकती। लेकिन इस शायरी को सच कर दिखाया है रियल लाइफ में एक प्रेमी जोड़े ने। जब पाकिस्तानी लड़की और भारत के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो गया तो उनको हम सफर बनने के लिए ना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इस कपल ने ना 2 फरवरी 2021 को शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। दरअसल ये लव स्टोरी भोपाल के तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की है, जिनकी प्रेम कहानी आज से 8 वर्ष पहले एक हुक्का लाउंज में शुरू हुई थी। हीरा 2013 में भोपाल में रहने वाली अपनी नानी के घर आई हुई थी, जहां वो अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ बिटन मार्केट के एक हुक्का लाउंज में पार्टी करने के लिए गई थी।
इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड ने तारिक और कराची की रहने वाली हीरा की मुलाकात करवाई। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से फोन पर खूब बातें करने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी वो कब प्यार में बदल गई दोनों को भी पता नहीं चला। जब साल 2017 में हीरा वापस अपने देश और घर पाकिस्तान जाने लगी तो तारिक की आंखें जो थी वो नम हो गई। वो एक दूसरे की जुदाई ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तारिक ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि हीरा ने इस दौरान मुझसे ये कहा था कि अपनी अम्मी से तो एक बार मिलवा दो। जब दोनों आपस में मिली ना तो दोनों भावुक थी, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी अम्मी को ना हीरा के बारे में बता कर रखा था। अम्मी ने हीरा से कहा कि बेटी तुम मेरे घर की बहू बनोगी क्या? हीरा ने कहा मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो अपने देश पाकिस्तान चली गई। करीब एक साल बाद 2018 में हीरा फिर भारत आई। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इसके बाद दोनों के घर वालों ने तारिक और हीरा की शादी के बारे में बातचीत की और विवाह के लिए तारीख निकालने लगे। लेकिन इसी दौरान 14 फरवरी 2019 को ना पुलवामा में अटैक हो गया, जिससे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो था वो और भी बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद ही भारत ने 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे माहौल जो था वो ज्यादा गर्म हो गया। इसी बीच हीरा के पाकिस्तान जाने की बातें होने लगी, लेकिन क्या करे, देश भी लौटना था और निकाह भी करना था। इसी तरह 2 मार्च 2019 को 24 घंटे में तारिक और हीरा का निकाह हो गया, जिसके बाद हीरा अपनी नानी के घर रहने लगी। दोनों के परिजनों ने कहा कि अब शादी की बाकी की रस्में ना बाद में करेंगे। लेकिन इसी दौरान देश में CAA NRC वाला कानून जो था वो पास हो गया, जिसको लेकर पूरे देश में ना विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिसके चलते घर वालों ने शादी की रस्मों को और आगे बढ़ा दिया। जैसे तैसे CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमा ही था कि कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया। इस तरह हमारी शादी ना फिर रुक गई। निकाह के करीब 2 साल तक ना हम लोगों को तो शादी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर कहीं जाकर 2 फरवरी 2021 को शादी करके ना एक दूसरे के पति पत्नी बन पाए। हीरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे टीवी न्यूज और सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग दोनों देशों के रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जितनी तलखी दिखाते हैं ना उतनी असल में है ही नहीं। भारत के नागरिक काफी अच्छे हैं और पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए ना इतनी नफरत नहीं है। मेरी अम्मी भोपाल की ही रहने वाली है, मेरा बचपन भी यहीं पर गुजरा है, इसलिए मुझे भोपाल जो है वो बहुत पसंद है। तारिक ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि जब वो सिटी स्पेसिफिक वीजा के लिए भोपाल SP ऑफिस पहुंचे थे, यहाँ एक अफसर ने मुझसे पूछा कि तुमने आखिर पाकिस्तानी लड़की से ही क्यों शादी करी। तो मैंने मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया कि जब पाकिस्तानी सानिया मिर्जा को हमारे देश से लेकर जा सकता है, तो क्या हम उनके देश की बेटी को नहीं लेकर आ सकते हैं? मैंने सानिया का बदला पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस कहानी का छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है गदर 2 में। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी सनी देओल अपने प्यार के लिए ना करेंगे देश की सरहदों को पार। और आपको बता दें कि इस बार ना हैंडपंप नहीं बल्कि भारी भरकम पहिया उठाते नजर आएंगे तारा सिंह। हाल ही में इस फिल्म से सनी देओल का ना फर्स्ट लुक सामने आया है। जी स्टूडियोज ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन फिल्मों और सीरीज की एक झलक दिखाई गई है जो इस साल यानी 2023 में रिलीज होगी। बता दें कि इस छोटे से 50 सेकंड वाले वीडियो में सनी देओल का तारा सिंह वाला किरदार भी नजर आ रहा है। इस लुक में तारा सिंह ना भारी भरकम पहिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सना फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इसी कारण सोशल मीडिया पर #गदर2 ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने कहा, सनी पाजी वाह क्या लग रहे हो आप। एक ने कहा, मैं और गदर 2 का इंतजार नहीं कर सकता। गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी देश के विभाजन पर बेस्ड थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सनी देओल की गदर 2 फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास यानी कि अगस्त 2023 में रिलीज हो सकती है। पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर तो चाहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनको बांग्लादेश चाहिए था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वॉर के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई और इस वॉर में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 16 दिसंबर वो दिन है जो भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हमेशा के लिए याद रहेगा। इस दिन जहां भारत और बांग्लादेश गर्व से सर उठाते हैं, वहीं पाकिस्तान शर्मिंदगी से सर झुकाता है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ और उस समय उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था।
और उसी दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। और इस वॉर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी ऐसी वॉर बताई गई है जिसमें सेना ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान ने युद्ध अपने गुरूर में आकर किया था क्योंकि उसको दिखाना था कि उसका एयर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके लिए उसने इंडिया के 11 एयरबेस पर हमला भी करवाया था जिसमें इंडिया के तीनों सेना ने एक साथ लड़ाई की थी। और इंडिया ने पश्चिम में पाकिस्तान को सेना की हरकतों का तुरंत जवाब दिया और लगभग 15,000 किलोमीटर पाकिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। इंडिया और पाकिस्तान का ये युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और इस युद्ध को इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से माना जाता है, लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान को आज भी खुद शर्मिंदा होने की याद दिलाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर 3rd दिसंबर 1971 से 16th दिसंबर 1971 तक हुई, जिसमें इंडिया के सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर उसके सारे सैनिकों को कब्जे में कर लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई। ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए इस युद्ध में इंडिया के 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के करीब 8,000 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ये युद्ध खुद के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ रहा था। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष बंगाली आबादी, खासकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले पर हमले करा रहा था। जब पाकिस्तान के अत्याचार बढ़े, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, तो ठीक उसी समय उन्होंने सेना के लीडर जनरल सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान के खिलाफ हमला अभियान शुरू करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद इंडिया ने अपने पड़ोसी के खिलाफ पूरा जोर लगाकर ये युद्ध लड़ा। बांग्लादेश ने सारे कंट्री से इस मामले पर मदद करने की अपील की, लेकिन इंडिया के पास वक्त कम था और उसके बाद हड़बड़ाहट में एक कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी, जिसमें 6 दिसंबर को संसद में ये अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि भारत ने बांग्लादेश सरकार को अपनी मान्यता दे दी थी, जिसके बाद भारत ने युद्ध लड़ा और उसे जीत भी मिली। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है फिल्म गदर 2 में। बांग्लादेश की हरी भरी पहाड़ियों में बसे लाल मुनिरहाट के छोटे से गांव में जीवन सरल लेकिन कठिन है। वहां उपजाऊ भूमि पर चावल और अन्य फसलें उगाकर गांव वाले जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो एक मजबूत समुदाय है और हर कोई एक दूसरे के लिए भाई की नजर से देखता है। लेकिन जब 1971 के युद्ध ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संघर्ष के बीच ये खुशहाल गांव फंस गया और ग्रामीणों को अपने जीवन के लिए वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपना घर, खेत और संपत्ति सहित सब कुछ पीछे छोड़ दिया और खुद आगे जिंदगी की तलाश में निकल गए। युद्ध काफी मुश्किल रहा और कई हजारों लोगों की जान चली गई। ग्रामीणों को बहुत नुकसान हुआ, उनमें से कई ने लड़ाई में अपने लोगों को खो दिया, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। वो जानते हैं कि एक दिन वो अपने घर लौटेंगे और उनके गांव का पुनर्निर्माण होगा। अंत में युद्ध समाप्त हो गया और गांव वाले अपने घरों को लौट आए। ग्रामीणों को बहुत नुकसान हुआ, उनमें से कई ने लड़ाई में अपनों को खो दिया, और जब वो युद्ध के बाद अपने गांव लौटे तो उन्हें मलबे और राख के अलावा कुछ नहीं मिला। उनके घर और खेत नष्ट हो गए थे और जो कुछ उन्होंने बनाया था वो सब नष्ट हो गया। इस त्रासदी के बावजूद लाल मुनिरहाट के लोगों ने अपना हौसला बनाए रखने और आगे बढ़ने का संकल्प किया, लेकिन 1971 के युद्ध के दौरान अपने प्रियजनों द्वारा किए गए बलिदान को ग्रामीण कभी नहीं भूले। 1971 था और दुनिया उथल पुथल में थी। भारत का विभाजन अभी अभी हुआ था, देश को दो अलग अलग राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। सरहद पर तनाव था और हवा उन लोगों की चीखों से भरी हुई थी जिन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन तमाम हंगामों के बीच एक प्रेम कहानी भी चल रही थी। रानिया नाम की एक युवती पाकिस्तान के लाहौर में रहती थी। वे एक हिंदू थी और उनके परिवार को विभाजन के दौरान भारत से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपनी मातृभूमि को खोने से उसका दिल भारी था, लेकिन उसे एक स्थानीय अस्पताल में नर्स के रूप में अपने काम को शुरू किया। एक दिन घायलों का इलाज करते हुए उसकी मुलाकात हसन नाम के एक युवक से हुई। वे एक मुसलमान थे और बंटवारे के दौरान उन्होंने अपने परिवार को भी खो दिया। उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद वे दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। वे अब प्यार में पड़ गए।
लेकिन ये ऐसा प्यार था जिसे समाज ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच काफी तनाव था। और एक दिन रानिया के परिवार को हसन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया और उन्होंने रानिया को उससे मिलने से मना कर दिया। इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए हसन की तरफ निकल गया। उन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपना जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी की। ऐसे ही दोस्तों कोई कहानी हमें गदर 2 में देखने को मिल सकती है। इसी गाड़ी को लेके इसी बाएंगे ठीक है पति, मैं चला रहा हूँ उस साइड में बैठे, पीछे हमारा काफिला है बट अब तक इतना करीब 1 किलोमीटर से ऐसे घूम के आता है, फिर एंट्री होगी जो भी व्हाइट सोर्स वगैरह थे। अब वहां से फिर जैसे कहते हैं एक्शन, फिर आते हैं, फिर हम वापिस आते हैं। 2-3 बार ऐसे हुआ तो कुछ बातचीत होने लगी। बोले यार तू बता हमारे बारे में क्या कहते हैं लोग। मैंने कहा हरियाणा पंजाब में तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, और महाराष्ट्र में यहाँ की मैं नहीं बताऊंगा। बोले तू कुछ तो कर ले, अब वो गेयर निकाल दे, मैं गेयर लगाऊं। वो एक्शन बोल रहे डायरेक्टर, उसको पता नहीं इनका क्या चल रहा है। अब मैं गेयर लगाऊं, निकाल दे, कंटिन्यू चलेगी जब तक ये बात नहीं बताएंगे। और शॉर्ट्स रुका हुआ है, क्या करेंगे सर, नहीं एक्शन टेक ले रखा है, वहां कैमरे ऑन है, अब गाड़ी ना चले। उधर से तो इनका डर, उधर से इनका, पाजी मार हो गया, मैं बोल तो दूंगा। बोले नहीं नहीं बोलना ही पड़ेगा तेरे, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, बंद कर इसको। मैंने स्विच ऑफ कर दिया सर। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके बोला, 3-4 दिन मेरे से नाराज रहे। मैं फिर कोशिश करता रहा मेरे से बात करेंगे। 4 दिन बाद फिर एक मंदिर का सीन था, मैं उनके साथ थाली लेके हूँ, हम 2 ही हैं, बाकी लोग तो पीछे हैं। तो वहां पे मैं सोचा आज मौका है इनको मनाने का। पाजी वो जैसे एक बार मंदिर से आए, दोबारा रिटेक हुआ तो एक फूल की पत्ती जो पहले बार नहीं थी वो दोबारा यहाँ उनके यहाँ गिर गई। पाजी फूल की पत्ती ये पहले बार नहीं थी, अभी गिर रही आपके उसमें कंटिन्यूटी में आएगा। ये कर दिया उससे अगले दिन। फिर खुद ही मैं तो हिम्मत ही नहीं कर रहा था उनके आसपास भी जाने की, मैं खड़ा खुद ही चल के आए। फिर रात में उसके बाद फिर इलेक्शन में मैं गया उनके वहां पे, जब चुनाव मतलब चुनाव था जब, तो दूसरे ओए तू, फिर मैं 12 दिन रहा वहां पे। वाओ, तो मतलब आप सनी देओल साहब के बहुत करीब हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि एक एक्टर के साथ एक को एक्टर का कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसे एक एक्टर इतना बड़ा एक्टर बन जाता है जो अपने आप में इतिहास बन जाता है, अगर आप उठा करके देखेंगे, अगर आप घायल, घातक, दामनी, अर्जुन पंडित, जीत, कोई भी फिल्म देखें, एक मासूम सा चेहरा, एक एंग्री यंग मैन, एक गुस्सैल चेहरा हैंडपंप को उखाड़ देता है और जिसके एक मुंह के पास पाकिस्तान की दीवारों में दरार हो जाती है, उस एक्टर से मिले हैं हमारे ये महान भाव, जो कि अभी भी इनसे बहुत कुछ जानना है मुझे अब। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गदर 2 के जो डायरेक्टर हैं भाई अनिल शर्मा जी से जब आप मिलते हैं, क्योंकि भाई अनिल शर्मा ने 1 से 1 फिल्में बनाई, उनकी जो पहली फिल्म थी वो इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई थी जिससे कि पूरा हिंदुस्तान को जान लिया था, जब वो मात्र कितना 22 या 21 साल के थे तब उन्होंने फिल्म बनाई थी। हाँ, राखी जी को उन्होंने लेकर के फिल्म बनाई थी। तो उस महान निर्देशक के बारे में आइए हम, प्रोड्यूसर भी वही थे। अच्छा, वही प्रोड्यूसर भी थे। गुड गुड, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असिस्ट भी किया होगा उन्होंने। तो आप मुलाकात कैसे हो गई इनसे, अनिल शर्मा से, क्योंकि हो जाती है सर जब आए कोशिश करते हैं। तो वो इतने हम्बल है, 21 साल की उम्र में डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग करना, कोई फैमिली सपोर्ट था या बैकग्राउंड में कहा कहां से पैसे आएंगे, तो इतना बड़ा ये क्या कर रहे हो आप लोग, वो फैमिली वालों ने बताया, उनसे तो इस बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं। वो उनके असिस्टेंट्स वगैरह जो है शीतल जी है वो काफी साल से उनके साथ थे, उनसे जैसे डिस्कशन होता है। अशोक शीतल, डिस्कशन होता है तो फिर पता चलता है कि उन्होंने 21 साल की एज में
पैसे भी नहीं थे, खुद ही अरेंज किया था, खुद ही सारा प्रोड्यूस था सब करके, और बड़ा रिस्क लिया था, बट वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। राखी जी उस टाइम बहुत बड़ी स्टार थे। तो राखी जी को कैसे कन्विंस किया, कुछ ऐसा आईडिया मतलब क्या उनको बोला क्या? ये तो राखी ही बता सकती हैं कि उनको अनिल शर्मा जी ने कैसे कन्विंस किया, क्योंकि एक न्यू कमर निर्देशक के साथ इतनी बड़ी अदाकारा का काम करना, वो भी, और सोचो जब वो फिल्म हिट हुई होगी तो अनिल शर्मा जी ने सोचा होगा कि यार इस महान अभिनेत्री ने मुझ पर कैसे विश्वास किया। उन्होंने एक्चुअली क्या होता है, जो महान होता है ना, देख करके पहचान जाता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट। तो गदर, आपने गदर देखी जी? आपने? बिल्कुल। गुड। आपने? मैंने भी सर। मेरा ना एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमसे, तो मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने बताया कि आपका सनी देओल सर के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड के साथ एक एक फैमिलियर एक वो बॉन्ड आ गया, तो वो आपको लेके सेट पे काफी, फिर तो लाइक प्रोटेक्टिव भी रहे होंगे, काफी चीजों में उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया होगा, क्योंकि कई सारे कोस्टार्स होते हैं जिनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, तो दे विल प्रोटेक्ट यू। एक दिन बोलेगी तू मेरी हर फिल्म में रहेगा। ओ वाओ, ये तो बड़ी मतलब क्या बताऊं, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं बोला सर भैया जी सुपर हिट में तो हूं ही, जबकि उसका एक स्केड्यूल हो चुका था। बोले अच्छा उसमें काम करना है। मैं क्या ही बोलूं, सेट की बात है। एक हमारे साथी हैं, वो भी साथ में थे, मैं बता दूं आपको, राज, आप जानते हो, राज भी वही मेरे साथ ही खड़ा था, काम कर रहा था उसमें। तो बोले दुलाराव को बोला, अरे वो उसका नीरज पाठक को फोन लगाओ। हम नीरज को फोन करके बोल दिया मेरे बारे में। नीरज जी ने फिर उस दिन तो रात को लेट फ्री हुए, नीरज जी ने फिर खुद ही फोन करके मेरे को बुला लिया, सेलेक्ट कर लिया। अगली फिल्म 7 साल तक साथ में काम किया उसने। मैंने सनी साहब से भी पूछा था कि सर कोई और भी फिल्म इतनी लंबी चली आपकी, तब बोले कि घातक 6.5 साल चली थी, घातक 6.5 साल कंप्लीट हुई थी, लेकिन भैया जी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7 साल, 7 साल में मतलब भैया जी सुपर हिट फिल्म बनी। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि मुगले आजम को बनने में बहुत सारा समय लगा था। कभी कभी कुछ फिल्मों को बनने में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, निर्देशक की तरफ से आ जाती है। एक्टर होते हैं ना, उनकी डेट्स का, कभी कोई किसी की हेल्थ का, 50 प्रॉब्लम होती है। सर एक बात बताओ आप, जैसे कि आपने कई सारे स्टार्स के साथ काम किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे सनी सर में और बाकी लोग जो है उनके काम करने में क्या अंतर है, आपको क्या चीज अच्छी लगी? जैसे आपने जॉली एलबी 2 में भी काम किया, मैंने देखा था आपको अक्षय कुमार के साथ, तो उनमें और सर में आपको क्या अंतर लगा, दोनों के काम करने में क्या फर्क है और क्या चीज आपको अच्छी लगी कि इस इंसान में ये वाली चीज अच्छी है? ये दो तीन चीजें कॉमन लगी, तो टाइम की कंसल्ट, कोई कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। सनी साहब सर्दी में 6 बजे आके पानी में खड़े हो जाते थे, जूतों समेत, मैंने नहीं देखा इतना डेडिकेशन किसी में। और अक्षय पाजी का, अक्षय पाजी की तो बड़ी कमाल की स्टोरी है। सैटरडे को हमारा सूट 8 बजे के करीब पैकअप हुआ, उसके बाद वो लंदन गए बेटे को लेके आना, मंडे का उन्होंने 11 बजे का स्टूडियो रख दिया। तो सब लोग कह रहे यार लंदन जाके बेटे को लेके, आज सैटरडे है, नाइट में जाएंगे, फिर कल का दिन है, कल उसको लेके भी आएंगे, परसों 11 बजे कैसे आ सकते हैं? और उस टाइम बारिश का सीजन था, एकदम रेनी चल रहा था, बारिश में शूट हुई थी क्योंकि पूरा इंडोर था फिल्म वाले में। तो हम आराम से खड़े हैं 11 बजे, हम तो पहुंच गए 11:45 बजे, बट सब लोगों को ये था कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कि आ ही नहीं सकते। और हार्डली 3 मिनट बजे थे 11 बजे में, बाइक पे आए अक्षय पाजी भीगते हुए पूरे, और आगे इनोवा की लाइन लगी हुई थी, फिल्म वाले थोड़ा सा क्राउडेड सा एरिया है, तो उन्होंने देखा यार ये 2-3 मिनट इसमें ना खत्म हो जाए। बाइक से उधर उतर के उछलते हुए छाता लेके लोग जा रहे, नहीं भीगते हुए सबको साइड में कर लो जी पहुंच गया मैं, 2 मिनट पहले पहुंच गया। हाँ अक्षय कुमार साहब के बारे में बोला जाता है कि वो टाइम का बहुत पंचर है, और उनका एक फेमस डायलॉग भी है जो हम सब देख के बड़े हुए हैं, वो 2.5 किलो का हाथ।
मतलब वो तो इतना फेमस लाइन है, तो आपने तो उनके साथ काम किए, तो वो जो 2.5 किलो का हाथ है उनका वो डायलॉग है, वो आपने जब सामने देखा आपको क्या लगा? मतलब लाइक वो सच में उतनी पावर है जब, क्योंकि आपने उनके अपोजिट में काम भी किया है, तो लाइक वो है उनमें वो 2.5 किलो का हाथ पावर वाला, तो 5 किलो का वो हाँ किसी ने पूछा था, बार 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 पूछते थे, इलेक्शन में भी डेली वही चलता था, बोलते भी थे 2.5 किलो का, एक दिन किसी ने छेड़ दिया 2.5 किलो का। अरे बदम बोला भाई, जब आदमी अपने उस पे आता है ना, तो 2.5 किलो का ये साढ़ा 2500 किलो का मिल जाता। और एक और सीन था सर, जब सिंह साहब द ग्रेट की प्रीमियर पे आए थे वो गुड़गांव में, तो हम तो गुड़गांव से ही हैं एक्चुअली, मेरा तो होना बनता ही था वहाँ पे होस्ट से, तो वहाँ मीडिया वाले ने पूछा जी एक आदमी फिल्म में 50 लोगों को फेंक रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या पॉसिबल है? उनको गुस्सा आ गया, अभी बुलाओ, बोला अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो मैं 50 क्या, मैं 100 को भी भारी पड़ूंगा। यस, रियल में मतलब गुस्से में आके बोले हाँ पड़ जाऊंगा भाई, और पड़ जाते भारी पर ऐसा होता है, वो बिल्कुल एकदम रियल है। प्लस करप्शन और ये जो गद्दारों के बहुत खिलाफ है, पब्लिसिटी नहीं करते बट इतना अगेंस्ट है वो करप्शन के, उसके इतना ज्यादा अगेंस्ट है जिसका कोई हद नहीं। उसी लिए तो उस दिन उन्होंने बोला कि सीएमओ पीएमओ साले सारे तो भ्रष्ट है। तो ये जो गदर है वैसे तो ये एक प्रेम कहानी है, तो गदर से ये जो आप प्रेम कहानी का है, तो उनके अंदर वो जो करेक्टर है, क्या वो सच में मतलब वो प्रेम को लेके जो उनको प्यार का लेकर है वो पूरी तरीके से दिखता है हमें कि हाँ वो इज वेरी लविंग पर्सन, मतलब इज वेरी लविंग पर्सन एंड केयरिंग। लविंग तो है बट बहुत शाई हूँ, बहुत ज्यादा शर्मी। भैया जी सुपर हिट में एक वो सीन था, आइटम सॉन्ग टाइप था वो गाना, उसमें एक लड़की को छोटे कपड़े पहना दिए, अब उसको कहे वो आपको इतनी पटना सनी साहब को छेड़ना है, मतलब वो सच में सिकुड़ जाते हैं लड़की का कुछ सीन। हाँ वैसा कई जगह देखा है। देखिए वैसा तो उन्होंने एक दो फिल्मों में किया भी है, जब एक फिल्म की थी ये मीनाक्षी शताब्दी के साथ, उसमें उन्होंने दामिनी जो भी घायल नहीं घाता घाता फिल्म, तो उन्होंने एक शर्मिले युवक का किया था जो एक गांव से आता है मुंबई में अपने भाई के पास रहने के लिए, तो वो रोल देख करके वाकई लगता है कि इस प्रकार का करेक्टर उनका रियल में रहा होगा, क्योंकि सनी साहब द्वारा कहा जाता है कि वो एक्टिंग नहीं करते बल्कि उस करेक्टर में घुस जाते हैं। अर्जुन पंडित में भी कुछ, हाँ अर्जुन पंडित में कुछ इसी प्रकार का रोल था। इवन गदर में भी तो जो उनको इसका लिए बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन में भी लिया गया था, उसके पीछे का जो वो दिया गया था रीजन कि वो शाय जो एक उसमें एक सीन जो शाय कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा था, मेम साहब वो कॉलेज टाइम में जब था, वो तो बहुत ही क्यूट सा सीन है, तो उसके लिए भी उन्हें गदर के लिए भी इवन शाय का उन्होंने थोड़ा सा पोर्ट्रे किया था। यस यस यस, वो हाँ वो कहते नहीं कि वो जो बचपना है वो जब भी कभी रोमांस का सीन करते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब उनका जो बचपना है वापस आ गया, कभी भी मतलब एक तरफ देखते हो जब मतलब इतने सारे गुंडों को धड़ाम 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 ठोक रहे होते हैं, और फिर एक आता जब कोई लड़की आती है तो एक शर्मिला सा मतलब नाजुक सा संवाद, मतलब किसी भी फिल्म में आप देखिए जब भी उन्होंने रोमांस किया है ना, ऐसा रोमांस किया जैसे लग रहा हो कोई एक आम व्यक्ति कर रहा हो, कोई भी फिल्म देखो मतलब उनका अपना एक स्टाइल है। जैसे कर अगर हम जीत की बात करें, जीत में खुखार जो जिससे प्रेम करता है उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा सदैव उसके आसपास खड़ा रहता है। देखिए अगर जहां तक बात की जाए गदर की, अगर आप गदर पहली फिल्म गदर की बात करते हैं तो वो 100 करोड़ फिल्म थी, और कोई भी फिल्म उस समय अगर 100 करोड़ को क्रॉस कर रही है इसका मतलब है कि उस फिल्म में सब कुछ प्रेम था, रोमांस था, सोसाइटी के ऊपर दिखाया गया था उस समय सोसाइटी कैसी थी, और उस समय जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी, सब कुछ दिखाया गया उसमें। म्यूजिक देखो संगीत उसका लाजवाब, लाइफ टाइम सुनते रहोगे आप, हां कभी भी सुनते जाओ, काले का निकला वो गड्डी ले, तो मतलब गदर 2 में भी पंप उखड़ेगा? नहीं गदर 2 में पंप तो बहुत उखड़ेगा, अभी ये समुद्र का तुमने बम नहीं बम और 10-10 हजार लोग रात को
मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ से ट्रकों में भर के आते थे, तो सब लोग देखने आते थे शूट देखने, 10,000 माय गॉड नाइट में, और ऐसा डेली होता था। सर एनकाउंटर से मुझे आपने कितने एनकाउंटर किए आज बताइए। देखिए बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि शनि देओल की गदर 2 के बारे में, कि मतलब गदर 2 जो बॉक्स ऑफिस पर मतलब जैसे कि अभी पठान धूम मचा रही है, मेरा अनुमान है कि जो पठान का जो धूम मचाने का जो स्टाइल है उसके थोड़ा सा कुछ उस स्टेप को क्रॉस करेगी गदर 2। उसके पीछे रीजन देशभक्ति, हमारा जो देश है मतलब ना उसमें जिस जिस फिल्मों में देखा गया, ज्यादातर फिल्म जो अच्छी फिल्में हैं जिनमें देश को लेकर के मतलब देश को प्रधान किया गया है, यहाँ की जनता की यहाँ की जो आवाम है उनकी चीजों को लेकर के जब कहानियां पिरोई गई हैं तो कहानियों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। इतनी क्या होता है उस सिनेमा से जो आम इंसान है अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। ये फिल्म भी हमको लगता है कि जैसे अगर बात किया जाए कि उस समय जो 111 करोड़ रुपए कमाया था, मतलब आज की तारीख में मतलब कि अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए गदर ने कमाया था। तो उम्मीद की जा रही है कि जो गदर 2 आएगी वो जो बाहुबली और जो केजीएफ का रिकॉर्ड है वो ध्वस्त कर देगी। अब वो क्या लगता है क्योंकि आप जो तो सेट पर थे तो सेट का माहौल दे करके जब सीन शूट हुआ जा रहा है, मतलब एक्टर जब एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अमरेश पुरी साहब नहीं है अभी, ठीक है कुछ कुछ एक दो एक्टर नहीं है, तो उनकी जगह एक नया एक्टर आया हुआ है, फिर आप भी उसमें है क्योंकि मैंने आपको भी देखा है, अभी आपकी एक और फिल्म आ रही है उत्तराखंड का कोई डायरेक्टर केदार, केदार फिल्म आ रही है और केदार में आपने एक मेन विलन का किरदार निभाया हुआ, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहता है कि मतलब वो शूट करने दौरान, मतलब एक बॉलीवुड का एक्टर जाता है, मतलब होता नहीं मतलब कि जर्नी, ये चीज तो जी सर, मतलब उसमें मैं आपका एक पिक्चर आउट हुआ था, वहां का लुक मतलब आउट हुआ था, देखा कि मतलब आप कुछ पूरा बहुत सारा मेज उसको खाड़ के फेंक रहे हैं, मतलब कहीं सनी देओल वाला जैसा ही स्वयं तो देखना नहीं मिलेगा उसमें भी संगति का असर तो होता है। और दूसरी बात रही बात इसके रिकॉर्ड की, भगवान ने चाहा तो 4-5 दिन पहले आपको प्री सक्सेस पार्टी मेरी तरफ से होगी। जरूर 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 मेरे को लगता है प्री सक्सेस पार्टी किसी ने दी होगी, हम गदर 2 की करेंगे। यस जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे, यस इंतजार रहेगा। और इससे बड़ी सर मैं यही जानना चाहता हूं अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने किया वो हमारे साथ शेयर करें गदर 2 को लेके, जिससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ ऐसी चीजें कोई चीज रिवील नहीं कर सकते हैं, वो आप भी समझ वो समझता हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लोगों ने भी डाला है, हाँ हाँ। अब पब्लिक आ रही है वो देख रही है वो बना के डाल रही है तो उनको नहीं रोक सकते हैं। हाँ हाँ, जो नया पोस्टर आउट हुआ है जैसे इतना बड़ा हथौड़ा लेके कर रहे हैं, किसको मारने जा रहे हैं लोग, यही तो सब बोल रहे हैं कि उस चीजें सस्पेंस है, आपको कोई मारेगा हॉल में देखने जाएंगे ना, दुश्मन कोई मारेगा। जैसे मेरा आपसे एक सवाल होगा कि लगभग 2 दशक के बाद शायद गदर 2 आने वाली है मेरे ख्याल से, हाँ 2 दशक से ज्यादा ही होगा, तो ये जो 2 दशक पहले जो उन्होंने अपना अभिनेता का दौर उनका था गदर में, उन्होंने जो रोल प्ले किया था, क्या वैसा ही जादू या वैसा ही किरदार इस गदर में हमको देखने को मिलेगा? उससे भी भयंकर मिलेगा, प्लस उस टाइम जो जीते था उनका बेटा छोटा बच्चा, अब वो भी हीरो वाला है, बड़ा हो गया, उनका भी जलवा आपको देखने को मिलेगा, बहुत इतना हम्बल भी है, मैंने उसके साथ जीनियस फिल्म भी की है उत्कर्ष, प्लस उत्कर्ष शर्मा, और सिंह साहब द ग्रेट में तो एक सीन है उसका रेत की खदान में लगी है, तो रियल में वो एक ऐसी लोकेशन है कि वहां से एक ही चीज के जरिए आप बाहर आ सकते हो, 8-10 किलोमीटर वो टट्टू ठेला जो जिसमें रेत भर के लाते हैं वो ऐसे उछल उछल के आता है, तो वहां पे हमने कहा कि बेटा आप अंदर बैठ जाओ क्योंकि उसमें कैबिन में जो बैठा है वो ही आदमी थोड़ा सेफ होता है, बाकी सबको हिलाता है, नहीं अंकल मैं ऊपर ही बैठूंगा, तो जहाँ पे बाकी लोग बैठे थे वहीं उछलते कूदते हुए उसी हालत में, और वह बिल्कुल उसने किसी को पता ही नहीं चलता था कि अनिल जी के बेटे, तो ये तो उस एक्टर का मतलब बहुत अच्छा है, इतने डाउन टू अर्थ है, इससे डाउन टू अर्थ एक्टर बहुत अच्छा, बहुत कमाल का एक्टर। इससे जो ये जो चीज आपने बताई है ना कि वो सेम जो छोटा बच्चा था जीते और गदर 2 में अब वो बड़ा हो गया, तो वो जो एक मतलब कई लोग तो क्या होता है कि अगर सीक्वल बना रहे तो जल्दी जल्दी के चक्कर में दूसरा एक्टर कास्ट कर लेते, तो ये वाला लेकिन ये सेम देखने को मिल गया, तो ये एक बहुत
यूनिक सी चीज है। हम उसकी कल परसों शायद बात कर रहे थे एक मूवी जो बॉयहुड उसमें भी सेम मतलब वो हॉलीवुड से है और उसमें भी कम से कम कितने साल फिल्म को बनाने में 12 साल लग गए। 12 साल फिल्म के अंदर ही जो बच्चा है उनके माँ बाप है फिल्म के अंदर ही बड़ा हो रहा है वो बच्चा और ये जो टाइम लाइन है जैसे कि मूवीज का जो एक टाइम लाइन होता है जो जैसे आपने बताया बाप को भी वही दिखाया गया माँ को भी उतनी बड़ी दिखाया गया अच्छा तो बिल्कुल रियल है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ पान सिंह तोमर का हिट होने का क्या कारण था उसमें एकदम रियलिटी दिखाया गया ओरिजिनल डाकू ओरिजिनल उनकी वर्दियां ओरिजिनल उनकी बंदूकें जंग लगी क्योंकि अब डाकू की फिल्म बना रहे हो आप और उसमें दिखा रहे हो उनकी नई बंदूकें नया पेट रियलिटी जो आप नहीं आप उसकी ड्रेस दिखा रहे हो कैसे लगेगा वो नहाए नहीं वो सच में ही नहाए उस दिन 10-10 दिन प्यासे थे तो सच में ही प्यासे तो वो इसलिए पान सिंह तोमर इतने तो पूरा सेटअप 1960 तो ये सेम वैसी है। ओके सो इसके सॉन्ग्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जैसे गदर वन में सॉन्ग्स ऐसे थे कि हम लोग मजबूर हो जाते थे सीट से खड़े हो मतलब उठकर हम डांस करें तो वैसे कुछ थिरकाने वाले सॉन्ग्स हैं शादियों में बजता है जैसे कि देखो इसमें क्या है नए और पुराने का पूरा पूरा का पूरा मिक्सअप है नए दिमाग भी पुराने दिमाग भी। अच्छा उस टाइम एक फाइट मास्टर था अभी तीन फाइट मास्टर मतलब बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है। ट्रक के जो है वो सीन मतलब ओरिजिनल है आपने कहीं ऐसे ट्रकों को उड़ते हुए ट्रकों को बमों के बीच में कहीं नहीं देखा हुआ। मैं खुद उस वहां पिक्चराइजेशन हो रहा उसको देख रहा हूँ मैं वहां पे सामने भी देख रहा हूँ तो बहुत अजीब लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा इसे तो बड़े पर्दे पर देखने में तो धमाल मच जाएगा मतलब जैसे गदर जब तो वो तो टेबल पे उड़ाता है यार रियल में वो टेबल पे पारे उड़ाता है हमने भी मॉडल्स बना कर यहाँ तो बिल्कुल रियल है तक उड़ा दिए तो मतलब ये ऐसा जैसे सनी देओल भी रियल अनिल शर्मा भी रियल गदर भी रियल कपिता भी रियल सनी सर और जीते के बारे में बताया कि वो दोनों तो अपने लाइक फादर एंड सन के किरदार में बहुत अच्छे से दिखेंगे बट अगर हम बात करें अमीषा मैम की तो क्या वो वही जैसे पुराने टाइम में जब उनका वो इमोशंस निकल के आता था वो मतलब इस सेट पे भी ऐसा ही कुछ नजर आया आपको कि लाइक नहीं वो चीजें पुराने लोग मतलब रिलेट कर सकते हैं वो माँ है तो माँ के कैरेक्टर बहुत अच्छे से अगर उनको दोबारा से कास्ट किया गया है तो उन्होंने वो सारी चीज तैयारी की है और सोशल मीडिया पर अमीषा पटेल जो है समय समय पर अपनी पोस्ट करती रहती है प्रोमोट काउट करती रहती है सारा चीज करती है बहुत सारा एक्टिव दिखाई दे रही है तो ऐसा चीजें देखने को मिलेगा। ओके नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है और उसमें भैया जी में थी ना हमारे साथ तो उनको जैसे एनाकोंडा लगा दिया आउटडोर सूट है तो कहती थी भैया सबके ऊपर नहीं तो मुझे भी नहीं थी प्रीति जिंटा वो दोनों बहुत अच्छी मतलब नेचर उनका मेरे को जो लगता है जिंटा भी मेरे को जो लगता है ना कि अमीषा पटेल जैसे जब गदर के लिए जितनी उन्होंने मेहनत और जो उनका वो था एक्चुअल में गदर उन्हें जैसे मिली तो उस हिसाब से गदर टू में उनका आना मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि गदर टू में और खुश भी हूँ कि उन्हीं को ही कास्ट किया गया है गदर टू लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हूँ मेरे एक फेवरेट एक्टर हुआ करते थे जिनको मैं बहुत मानता हूँ मतलब एक प्रकार से जब भी मैं अभिनय के बारे में थोड़ा भी सोचता हूँ तो उनका चेहरा दिल में आ जाता है और जो सर को देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि वो मेरे सामने खड़े एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है सर को अमरीश पुरी की जगह पर अभिनय करते हुए देखेगा तो उनकी कमी तो हमें खलेगी क्योंकि वो एक महान एक्टर उन्होंने चाहे खलनायकी की हो चाहे वो सकारात्मक रोल किया हो हर प्रकार के रोल को उन्होंने ऐसे जिया जैसे लगा कि क्या यार ये वही इंसान है
जो कभी चड्ढा का रोल करता था, मोगैम्बो खुश हुआ, खुश हुआ हा? तो सर भी ये एक नई परिभाषा लिखेंगे अपने अभिनय से। आपने वो देखे होगा ना तेलुगु, तो अनिल जी की थी। हाँ अच्छा, वो अनिल शर्मा जी की थी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, क्या था सोमो शाह शाह क्या नाम था उनका, डोंग कभी डोंग नहीं होता वो भी तो अनिल जी नहीं दिया था। तो क्या गदर टू सबसे बड़ा सवाल हमारे यहाँ दिमाग में आ रहा कि अरे मतलब अनिल शर्मा जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये रही होगी जब वो गदर टू सोच रहे होंगे बनाया जाए, क्योंकि अमरीश पुरी साहब है नहीं, तो ये उनके मन में बार बार ख्याल आया होगा कि उनके जहाँ कौन हो सकता है, क्योंकि उनके लेवल को मीटअप क्योंकि हाँ मैच करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। अब देखते हैं कि जब सिनेमा रिलीज होता तभी कहा जा सकता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि मतलब हो सकता है कि जैसे कि सचिन के बाद बहुत सारे क्रिकेटर आए अच्छा खेले, तो जो नया एक्टर पोर्ट्रेट कर रहा हो वो भी बहुत अच्छे चौके और छक्के मारे बॉक्स ऑफिस पर, जैसे कि मतलब सोशल मीडिया पर मतलब धाक धाक लोग लिख रहे हैं कि भाई गदर टू गदर टू गदर टू गदर मचा देगी, ये कर देगी। हो सकता है कि सर अभी रिवील ना करना चाहे और बाद में हम जब मूवी देखे पता चले आ रही हो तो सर ही तो ये क्या सरप्राइज है नहीं सर ने बोल दिया कि मैं पाकिस्तानी एक मतलब कर्नल का रोल निभा रहा हूँ, मतलब वो मतलब गदर ही आने वाली है। हाँ थ्री में हो सकता है, देख लो भाई हो गया बॉली ग्रेड पे, गदर ही आने वाली है। जैसे कि आजकल आप जब देखते हैं कि सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो चारों तरफ मतलब कोई कह रहा था कि मतलब साउथ की सिनेमा ट्रिपल आर या केजीएफ इन सब का मतलब धूम मचा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि शाहरुख खान ने धूम तो नहीं की, लेकिन जो शाहरुख की पठान आई वो सबको लेकर के एक नया धूम मचा दी। तो अभी जो गदर वाला जो क्रेज है वो गदर कैसे धूम मचाएगी? 1500 करोड़ हाँ कह सकते हैं, क्योंकि सनी देओल की जो पिछली फिल्म चुप थी उसको क्रिटिक्स ने भी और लोगों ने भी काफी पसंद किया, क्योंकि वो फिल्म की कहानी और जो सनी देओल का एक नया लुक जिसमें वो अभिनय कर रहे थे, मतलब जैसे पिछली फिल्मों में वो मतलब लाउड हो जाते थे, लेकिन इस फिल्म में चुप में उन्होंने बहुत सटल अभिनय किया। 4 लाख टिकटें भी थी बिकेटिस की पहले, लेकिन उसको हर टिकट को 100 रुपए या 120 रखा हुआ था, मतलब वो मैटर नहीं करता है कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने देखी ये मैटर करता है कि सिनेमा कितने लोगों तक पहुंचा। तो अब गदर जो है वो कैसे इंडिया के हर व्यक्ति के पास पहुंचेगी, मेरा नहीं हर व्यक्ति के जेहन में कैसे गदर मचाएगी, ये है मेरा कहना। मेरा जो मानना है जैसे गदर का था उसने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि 10 करोड़ टिकट उसकी बिकी थी और उसने मतलब इतना कमाया था उस टाइम पे और कितनी हाइप पे चली गई थी मूवी, और हाइप से उसका एक थोड़ा अलग सा ड्रॉबैक भी हुआ था कि पाकिस्तान में फिर थोड़ा सनी देओल सर को थोड़ा बैन कर दिया था, तो वो सब ये तो सफलता है किसी चीज की। हाँ, कोई चीज का विरोध होता है या कोई चीज को बैन किया जाता है इसका मतलब कि मूवी से ही पाकिस्तान डर गया, मूवी से ही ये एक बहुत बड़ी वो बना ली है, एक अलग ही बेंचमार्क सेट। और मैंने तो कुछ ऐसे सुने कि मतलब पाकिस्तान में अगर सनी देओल साहब को भेज दिया है तो अकेले ही पाकिस्तान को परास्त कर देंगे, सारे पंप उखाड़ देंगे। तो अभी सुन में आ रहा है कि मतलब कि फिर से पैम्प वाला सीन डाला जाएगा या कोई बैलगाड़ी उठा के मारेंगे, क्योंकि एक पोस्टर में देखा था उसमें कोई पहिया लिया करके सनी देओल साहब ऐसे, वो जो मतलब देखा आपने महाभारत देखा है, महाभारत में इस प्रकार का सीन है कि अभिमन्यु जो है ना मतलब एक पहिया को लेकर के वार करता, एग्जैक्ट वैसे सनी देओल को भी प्रोटेक्ट किया गया, मतलब पोर्ट्रेट किया जा रहा है, मतलब कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होंगे तो पहिया को लेकर के मतलब खाड़ के फेंकेंगे, वो सीन तो बहुत विध्वंसक हो। यही सारे एक्शन सीन्स की वजह से मेरे को लग रहा है कि गदर को लोग देखने जाएंगे, क्योंकि गदर में मैं भी देखने जाऊंगा। हां मैं भी जाऊंगा गदर, एक एक्शन पूरी ऐसे अलग-अलग एक्शन सीन्स थे उसमें जो कि बड़े यूनिक से थे, वही गदर टू अब लोगों के पास उसमें दिमाग में हो कि गदर में अब इतना था और गदर ने इतनी हिस्ट्री क्रिएट करी, कई लोगों का है कि गदर के आगे क्या हुआ, जैसे आप बोल रहे थे कि मेरे को बड़ा देखने का मन था उस टाइम पे कि गदर के आगे मेरी अभी तक सबसे पहली हॉल पर जो मैंने मूवी देखी थी वो गदर ही थी उस टाइम पे,
गदर में रामायण से थोड़ा सा लिया गया इंस्पिरेशन की हाँ जैसे राम जी सीता जी को लेने जाते हैं तो गदर टू में कैसा हो सकता है महाभारत का कुछ रहेगा उसमें दिखाया गया था मतलब जिस प्रकार से अच्छा वो लेने जाते हैं राम जी जो है सीता की खोज में निकलते हैं बन बन भटकते हैं उसी प्रकार से सनी साहब का जो करेक्टर था तारा वो भी अपनी माशूका की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है पाकिस्तान की गलियों में खोजता है तभी वो एक गाना आता है जैसा कि अक्सर बॉलीवुड अक्सर पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया की फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है संगीत बॉलीवुड की सबसे बड़ी खासियत क्या है संगीत संगीत बिना संगीत कुछ नहीं प्राण है संगीत तो उस फिल्म का प्राण भी संगीत ही था और सनी देओल साहब के संवाद तो इस बार क्या वैसे ही संवाद मिलेंगे सारी भर का एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा ये संवाद भाई मैं जब देख रहा था फिल्म ना तो तालियां ऐसे लग रहा था कि सिर सिर तोड़ करके लोग फेंक देंगे इतना क्रेज था लोगों के बीच डर के रहता है तो मेरे ख्याल से वो वाला सीन भी होगा माहौल रहेगा कि अगर कुछ बोल दिया ऑर्डर कर दिया साकिना ने तो तारा उसको मान लेगा चुपचाप से ऐसा कुछ लवी डबी से सीन भी रह सकते हैं देखो दोनों के बीच जो रोमांस दिखाया गया है ना आप भारत की कहानियां भी उठा के देख लो या भारत की जो सोसाइटी उसमें भी देखें तो ऐसी कहानी आपको मिलेगी कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए वैसा करेगा इसलिए तो थोड़ी देर पहले ही सर बोल रहे थे कि मतलब कि वो 100 लोग हो या 150 लोग हो जहाँ पत्नी का सवाल आ गया है भाई तोड़ देंगे फोड़ देंगे पत्नी का तो प्रेम है ही उन्हें साथ साथ संतान का भी संतान का भी संतान का तो पहले बहुत हाई इमोशन है बाप बेटे का है माँ बेटे का है पत्नी का तो सारे इमोशन यानी कि हम हंसने के साथ साथ थोड़े आंसू भी बहाएंगे खटका एकदम से कि गदर में उसका दोस्त जो था वैसा कुछ वैसा है इसमें गदर टू में जो सनी पांडे का दोस्त था गदर में हर फिल्म में कोई साइड किक होता है जो कॉमेडी करता है नहीं वो साइड किक तो मैं साइड किक तो नहीं बोलूंगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से पिलर वो भी एक तरह से उनके पेनल्टी पिलर के रूप में साथ थे जब ये कंटिन्यूटी में बन गई तो वो देखा हो गई एक्सपर हो ना एक्टर तो उनकी जगह पे कोई और एक्टर होगा लेकिन जरूर होगा उनका जो उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा सर ने तो मूवी की है अरे पिक्चर बाकी है बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देंगे तब पता चलेगा सपोर्ट कौन कर रहा है और तारा सकीना का क्या स्टोरी है पूरी कहानी यहीं पे बता देंगे तो ऑडियंस लेकिन उसमें जो जैसे अभी थोड़ी देर में आपने चर्चा कर रहे थे कि मतलब कि जो इंदौर के एकेडमी के बच्चे जो काम कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा कि मतलब उन्हें एक जोश है क्योंकि वो सब आर्मी में जाना चाहते हैं तो मतलब सोचिए मतलब कि आपको एकदम पूरा रियलिस्टिक मिलेगी इतना ज्यादा ट्रेंड रहेंगे सब सारे लोग फिर वो जो एक्शन सीन करेंगे तो आपको एकदम क्या यार पावर तोड़ मिलेगा वो भी तो बहुत बड़ी बात है स्टार्टिंग में जब हमें नहीं पता था कि वो एकेडमी के हैं तो उनकी कटिंग उनका जो भी एनर्जी और जो कुछ भी उन्होंने किया लगा ही नहीं कि आर्मी वाले ने तो हमें तो यही लगा था कि ओरिजिनल आर्मी वाले कर्नल थे वो आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वगैरह थे तो उनसे भी हमारी काफी बात होती थी और बकायदा जो आर्मी में होता है वो कहीं पे भी जैसे फिल्मों में आमतौर पर होता कुछ भी सीन बना के कुछ भी कर देते हैं वही बॉडी लैंग्वेज हर चीज पे उन कर्नल के साथ डिस्कशन होता था हमने भी कुछ ऊपर नीचे जो भी बात बात फोन करके कुछ सलाह ली लोगों से तो वो रियलिटी का बहुत ख्याल रखा गया और दूसरी बात जो आप सस्पेंस की बात कर रहे थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो आज तक किसी को पता नहीं चला है तो मुझे तो लगता है इस बार जैसे गदर वन में तारा सकीना के पीछे जाते हैं मतलब उन्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा लगता है इस बार तारा अपने बेटे को बचाने के लिए जाएंगे पाकिस्तान मुझे ऐसा लग रहा है आई डोंट नो कहानी में क्या है बट मुझे
लेकिन वो जो इमोशन इमोशन एक इमोशनल फिल्म पहली वाली भी थी और दूसरी वाली भी होगी, लेकिन मैं तो सब ज्यादा उत्साहित इसलिए हूँ क्या उसमें जो ट्रक यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि पुष्पा में जैसा एक्शन देखने को मिला हुआ था तो हमको लग रहा है कि तो सनी साहब ने तो ध्यान में रहा होगा या अनिल शर्मा ध्यान में रहा होगा भाई अभी जो पुष्पा के डायरेक्टर ने ट्रक को यूज किया है तो हम एक दो ट्रक तो नहीं दिखाएंगे, इसमें तो ट्रक एकदम पूरी फौज दिखा देंगे और उसको सनी साहब धाम धाम एकदम तोड़ते हुए नजर आएंगे। है कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा, चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि आपको इससे बड़ा एक्शन देखने को आपको मिलेगा कतर में। तो सर ये जो जिस फ्रेम मतलब टाइम फ्रेम में सेट किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग व्हीकल्स का वो डिजाइन होगा कि 1970s के और अभी के तो क्योंकि बहुत चेंज हो गई है सब चीजें, तो वो सब कुछ रिसर्च था उसमें मतलब ट्रक तो वो आज भी चलते हैं उसी टाइम वो पुराने जमाने के 47 में भी ट्रक थे उस टाइम भी ट्रक थे ट्रक का तो नहीं पर डिजाइन और वो सब नहीं वो तो अभी सर थोड़ी देर पहले बताया कि जब वो कर्नल जो पाकिस्तान वालों मार रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे हूबहु वैसा ही सेट दिया गया था जैसा उस समय पाकिस्तानी सेना यूज करती थी। इसका मतलब कि जो गदर 2 बनाने वाली टीम है उसने बाकायदा उस पर रिसर्च किया हुआ कॉस्ट्यूम को लेकर के हर चीज को रिसर्च किया हुआ तो हूबहु वैसा ही चीज देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, कुछ भी फेक नहीं लगेगा, कुछ भी फेक नहीं। मतलब वो पुरानी स्टोरी से बिल्कुल कनेक्ट करता हुआ चला जाएगा और हमें लगेगा ही नहीं कि हम वो आज इतने टाइम बाद देख रहे हैं उस फिल्म को। यस देखिए बेसिकली क्या है कि अनिल शर्मा से बार बार मीडिया वाले या बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते थे भाई गदर का सिक्वल कब आएगा, गदर का सिक्वल कब आएगा, गदर सिक्वल कब आएगा। वो एक दो बार बोले फिर उसके बाद वो खामोश हो गए और खामोश इसलिए हो गए कि वो जो टाइम फ्रेम जिसकी तुम बात कर रहे हो उस टाइम फ्रेम को दिखाना चाहते थे कि अगर अभी ले लेंगे तो एकाएक जो है ना कि यार बच्चा कैसे बड़ा हो गया, तो वो एग्जैक्टली वो जो रियलिस्टिक चीज है और जो अप्रोच है उसको दिखाना चाहते थे कि टाइम फ्रेम मैंने इतना समय लिया टाइम फिल्म को कहानी को बनाने में डेवलप करने में चीजों को समझने में, क्योंकि जब कोई आप एक मुकाम तक पहुंच जाते हो उस मुकाम को बरकरार रखना भी बहुत बड़ी बात होती है तो वो उसके आगे जाना चाहते हैं। इस ये जो सिनेमा है जो गदर 2 आपको एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा और आज के समय में तो ये जो उत्कर्ष शर्मा है जो जीते करो तो इसका मतलब ये जो फिल्म है गदर 2 उनके लिए ये काफी आगे मतलब हाई पीक पे जा सकती है उनके करियर के लिए। उत्कर्ष के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी सनी देओल साहब के सामने एक्ट करना। हाँ लेकिन वो जब छोटे थे तो उनकी गोद में खेले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन और जो आम एक्टर हैं, लेकिन जैसा कि सनी साहब का करेक्टर अभी सर ने बताया उस हिसाब से कहा जा सकता है कि उनके दिल कर रहा क्यों ना चलें एक बार उनसे तो मुलाकात कर ही लें। अच्छा सर मैंने सुना है कि धर्मेंद्र साहब क्यों मैं धर्मेंद्र साहब की जो फिल्में हैं बहुत अच्छी लगती है, वही एक थे जो ही मैं मतलब कह सकते हो कि बॉलीवुड में एक वही एक ही मैन मतलब पुरुष मतलब जो कुछ करते थे तो लगता था यार कि कोई मार रहा है बाकी लोग मारता था लगता था यार फिल्म है, लेकिन वो जो सचमुच मारते थे उसी परंपरा का निर्माण तो सनी साहब ने भी किया है। तो कितनी बार आपको धर्मेंद्र साहब से मिलने का मौका मिला, फिर वो जब मिलते हैं तो कैसे बातें करते हैं लोगों को मतलब उनके अंदर मतलब कैसा है लोगों को उनका जैसे भीड़ चाहिए उनको भीड़ में रखो उनको जैसे जीनियस के सेट पे उस पर मुहूर्त पे थे तो हेमा जी उनको बार बार कह रही तबीयत ठीक नहीं थी उनकी ज़्यादा चलो चलो तबीयत खराब हो रही अरे छड़ना यार थोड़ी देर तो रह दे मैंने उनका बहुत मतलब रहता है कि मैं पब्लिक में हूँ और 12 दिन हम वहाँ रहे तो वहाँ पे तो चुनाव प्रचार शाम को उनका थोड़ा पार्टी का टाइम होता है वही टाइम होता था प्रचार करने का पब्लिक मीटिंग का थोड़े उस टाइम तब तो यार मेरे साथ क्या करा करो कोई फोटो खिंचा आजा ले ले आजा आजा फोटो खिंचवाने आते थे लोग क्या करूँ यार
लो चलो आ जाते हैं ऐसे करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। हमने वो गाना किया था ना उनका सिंह साहब द ग्रेट में, तो सॉन्ग में सनी पाजी, बोबी पाजी और धर्म जी तीनों है। तो जब धर्म जी की एंट्री हुई तो सब में ही सारी यूनिट थी, क्राउड भी था, सब था, एक अलग ही जोश आ रहा। धर्म जी की एंट्री होते ही मतलब लोग सब कुछ भूल गए थे, ऐसे उनका था। हाँ, धर्म साहब ने अपना एक जो कहते नहीं कि वो हैंड मूवमेंट जो करते नहीं तो डांस करते हुए कैसे मतलब करते ऐसे ऐसे जो करते भाई, वो इतना हिट हुआ कि भाई मतलब आज भी वो कोई नहीं मतलब बहुत साधारण है लेकिन एक यूनिक स्टेप बन गया सिग्नेचर। डांस तो सनी साहब भी पसंद नहीं करते, माहौल कैसा था वहाँ पर, मतलब वहाँ बहुत सारी पब्लिक आस पास की इकट्ठा होती थी या कैसे मतलब उसको कंट्रोल कैसे करते थे मतलब सारी चीजें? 8 से 10 हजार लोग डेली, 8 से 10 हजार लोग डेली वहाँ देखने के लिए आते थे। और हम तो जैसे ब्रेक हो गया या कुछ हो गया तो चारों तरफ ट्रक लाइटें जल रही है, उनको देखते थे। मध्य प्रदेश के, यूपी के, आपके छत्तीसगढ़ के ट्रक के नंबर से हम देखते थे, ट्रकों में भर के। ऐसा हमने देखा है बॉबी के टाइम पे, हम बहुत छोटे बच्चे थे तब, बॉबी फिल्म में ट्रकों में ट्रैक्टरों में भर के लोग गाँव से फिल्म देखने जाते थे। ऐसे यहाँ शूटिंग देखने आते थे लोग, मतलब गदर टू को लेकर 8 से 10 हजार लोग डेली और पूरी रात रुकते थे वो। तो ये जो माहौल होता था ये टेंस हो जाता था या फिर इसको मतलब जैसे कि उन्होंने कंट्रोल कैसे किया जाता था? वो दूर से देखते थे ना, अच्छा कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, डिस्टर्ब कोई नहीं करता था, एक्शन ही इतने खतरनाक सब कुछ था, अगर थोड़ा नजदीक आ जाए तो मिस हैपनिंग हो जाएगी। तो कोई इंसिडेंट्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं, तो सारी सेफ्टी का पूरा मतलब ध्यान दिया जाता है। तीन तीन फाइट मास्टर भी बहुत एक्सपर्ट थे सारे लोग, फाइटर्स एक से एक कमाल के थे, प्लस वो जो आर्मी वाले जो लड़के थे बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन में था सब कुछ। लेकिन जब आप अजय देवगन के साथ मूवी कर रहे थे तो मतलब एक सीन है जिसमें आप वो जाते हैं वो जानवरों को जहर देने, जानवरों को, हाँ जो जहर देने वाला सीन है, तो कहते हैं भाई इंडस्ट्री में अजय देवगन का भी बहुत बड़ा मतलब पहलू है, उनकी आने वाली फिल्म भोला है, तो अजय देवगन के साथ भी आपने काम किया, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, सनी पाजी के साथ भी काम किया, मतलब ये तीन बड़े स्टार हैं, बाकी तो आप बहुत सारे एक्टर के साथ काम किया, तो ये तीनों के साथ जो काम किया कैसा रहा? मतलब मैं वो एक्सपीरियंस जाना चाहता हूँ भाई, लोगों का एक सपना होता है कि यार इन एक्टर्स के साथ एक बार मिल लूँ मैं, और आप तो उनकी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। अजय देवगन जी तो एक बार वैनिटी से उतरते हैं, हालांकि तीन वैनिटी होती है उनकी, बताते हैं एक मीटिंग के लिए है, एक वो रेस्ट के लिए, एक में जिम है, लोग बताते हैं हमने तो कोई अंदर जाके देखी नहीं, बट वो वैनिटी से उतरने के बाद पैकअप के टाइम पे वैनिटी हो जाते हैं, लंच भी अंदर ही नीचे ही करेंगे, सेट पे ही लगे रहते हैं वो, उनके रहते मुझे नहीं लगता डायरेक्टर को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, एक्ट्रेस को भी यहाँ खड़े हो थोड़ा सा इधर हो जाओ फिर मॉनिटर पे भाग के जाएंगे, इतनी मेहनत करते हैं वो, मैंने नहीं देखा होगा कि इतने कोई हर एक एक्टर वो भी इतने बड़े स्टार लग के बाद। अक्षय पाजी भी उछल कूद ये वो, उनके जो का देखते हैं मतलब मेकअप दादा है नरेंद्र दादा, उनके हाथ में मोबाइल रहता है, कॉल आ गया तो ये नहीं कि नरेंद्र दादा उनको देने आएंगे, उनकी इतने रिस्पेक्ट भी करते हैं, सेट से ही खुद जाएंगे, फोन लेंगे उनसे, खुद बात करके वापिस खुद देके आएंगे, ये नहीं कि वो आएगा देगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो तीनों के साथ तीनों इतने ग्रेट है, इतने लीजेंड है, ऐसे एक्टर तो बहुत कम होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि और कोई ज्यादा ग्रेट हो, क्योंकि उनके फिल्मों का अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो तीनों एक्टरों ने अलग अलग विधा में देखा जाए तो तीनों लोग एक्शन कर रहे थे लेकिन तीन अलग प्रकार के, एक खिलाड़ी है एक आंखों से मार रहा है तो दूसरा हाथों से मार रहा है, मतलब आप देख रहे मतलब एक मार्शल आर्ट, मतलब मार्शल आर्ट तो अजय देवगन को भी आता है लेकिन एक देसी अंजार का जो स्वैग है, कहते नहीं देसी स्वैग, वो सनी साहब पाजी करते हैं,
वो लगता है कि हमने रियल कर रहे, मतलब ऐसे नहीं लगता कि मतलब कोई बनावटी हो, मतलब कि ऐसा कोई एक्शन मास्टर बताया हो कैसे करो ऐसा करो, लगता है यार उनका अपना स्टाइल है और वो उस स्टाइल को इतनी परफेक्टता के साथ करते हैं, मतलब कहीं से भी देखने पे नहीं लगता कि मतलब यार नहीं यार। नहीं नहीं, वो खड़े स्टाइल की बात नहीं सर, हर चीज को, हर सीन को। एक चीज में क्या था, मेरा गला पकड़ा, फिर मेरे साथ ही एक्टर का पकड़ा, क्योंकि हम आते हैं उनकी वाइफ को हमने जहर दे दिया होता है, तो गुस्से में कहते भाई कि डॉक्टर है जो बता सकता है उनको, डॉक्टर आनंद, हम उनका आके कहते हैं क्योंकि उसके आनंद, डॉक्टर आनंद की बेटी को हमने किडनैप कर लिया था, तो गुस्सा कितना होगा, क्योंकि एक ही डॉक्टर था जो बता सकता था उनकी वाइफ को। अब वहाँ पे जब वो गला पकड़ते हैं, पहले मेरा पकड़ा, कस के पकड़ा उन्होंने, और मेरे हो गया ऐसे ऐसे मतलब, तो दूसरे एक्टर का पकड़ा, मैं भी नाम नहीं लूंगा, वैसे उनको तो पता चले जाएगा उसके चेहरे पे हम साथ में है, चेहरे पे वो नहीं आ रहा था मेरे आधा, हालांकि मेरी पहली फिल्म थी, वो तो काफी काम कर चुके थे, बहुत गुस्सा आ रहा है, और उसको कुछ कहने के बजाय अपना पकड़ लिया, यहाँ से लाल होते होते यहाँ तक एकदम ऐसे लग रहा था खून टपक रहा है अपना खुद का, बोलो ऐसे लगना चाहिए तेरा, और फिर उसने नहीं किया तो सच में इसका दबा लिया। अरे ये फिर थप्पड़ का सीन था, सनी पाजी को थप्पड़ मारने का सीन था, मैंने तो डेव पहले से ही कह दिया मैं, हम इनको बचपन से ही भगवान मानते हैं, हम तो ये सीन मैं तो नहीं किसी और से ही करवाना, नहीं तो मेरा भी हो सकता था क्योंकि वो प्रॉपर मेरा ही सीन था, मेरे साथ ही दो एक्टर थे, एक संजय सिंह थे जो सीएम मध्य प्रदेश के सारे साहब हैं, भाई वो फिर थे, हम दो एक्टर थे, पहले मेरा डायलॉग होता है फिर उनका होता है, तो उनको उस एक्टर को थप्पड़ मारने का सीन दे दिया, बाद में मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं बच गया, अब वो थप्पड़ मारे यूं, अब वो कह रहे ये गाल हिलना चाहिए संदीप साहब को, गाल हिलना चाहिए, फिर उसको ये मारा, नहीं मैं मारूंगा ऐसे हिलना चाहिए, मार जोर से, अब वो थप्पड़ मारना कम से कम 50 बार, रीटेक, इधर क्लोज अप, मिड शॉट, वाइल्ड में भी इधर के एक्सप्रेस है, इधर के एक्सप्रेस है, टोली लगी उसको नानी याद आ गई, आज छप गए होंगे उनके फेस पे, इतनी थप्पड़ ऐसे लग रहे थे सनी साहब से वो खा रहा है बार बार तो वो रियल एकदम, जरा भी मतलब नहीं थे उनको थोड़ा सा। So, यार ड्यूब सर यूज नहीं करते, वो खुद एक्ट मतलब करवा दे, अगर थप्पड़ खाना हो तो वो खुद, हां जहां तक हो सकता है वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं मारो मेरे को जोर से मारो, मतलब मारोगे तभी, मतलब वो कहते हैं कि उनके अंदर इतना सिनेमा इतना ज्यादा कूट कूट करके भर गया है कि मतलब कि वो भूल जाते हैं, उसको जीवंत कर देना चाहते हैं, पेन को भी वो एक एंजॉयमेंट की तरह, यस वो रियल में बिल्कुल रियल में चले जाते हैं, ये नहीं कि करेक्टर में जिएंगे या कुछ और, रियल में ही उस करेक्टर को जीते हैं, वहीं पे पहुंच जाते हैं। मैंने एक हॉलीवुड के एक्टर की वो सुनी थी, डैनियल डे लेविस, वो है ऐसा, उसने 21 फिल्में की है, उसमें से 7 में ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ, 3 में अवार्ड जीता, तो वो रियल करता, जैसे ऑटो वाला है वो ऑटो चलाएगा, कुछ दिन ऑटो चलाएगा, अभी उसने छोड़ दिया फिल्मों को, क्योंकि उसकी वाइफ कहती थी कि हमें टाइम दे दो, और मैं एक ही चीज को टाइम दूंगा, या तुम्हें या एक्टिंग, तो जब ज्यादा उसने कंपेल किया तो उसने एक्टिंग छोड़ दी, वही सनी साहब का बोले करूंगा तो मैं रियल करूंगा, हैंडपंप वाले सीन के लिए भी वो एग्री नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से मना था अनिल जी ने, नहीं तो वो मना कर रहे थे, मैं ये बोला फेक लगेगा, लेकिन वो बाद में तो लोगों को बहुत मजा आया, सिंह साहब में भी था ऐसा ही टाइप का एक सीन, बेल ले उखाड़ के वो फेंकते हैं उनको, उसमें भी वो मना कर रहे थे अनिल जी, कन्विंस कर रहे थे, बहुत अच्छे में भी देखना है सनी सर को एकदम, इस बार क्या उखाड़ते हैं, क्या उखाड़ते हैं, मैं तो एक्साइटेड देखने के लिए। जैसे कि गदर की जो कहानी थी, कहा जाता है कि एक सोल्जर था उसके ऊपर थी कहानी थी, और उसकी जो समाधि है आज भी वहां पर मौजूद है, तो बेसिकली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारे रिसर्च कर रहा हूँ ये जानने की, क्या गदर 2 भी, मतलब उसके आगे कहानी तो है ठीक है, तो क्या उसी पात्र के आगे पोर्ट्रेट किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा,
ये एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, मतलब कि क्या होगा, क्या होगा, मतलब आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। मतलब 11 अगस्त को रिलीज हो रही है, अगस्त में रिलीज होगी तो फिर वैसे ही ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि अगस्त में जिसका जन्म होता है वो तो शेर होता है, वो चारों तरफ दहाड़ता है भाई। याद आया, मैं भी अगस्त की मेरा भी जन्म अगस्त में। ओ हैप्पी बर्थडे, तब तो सिनेमा देखते ही आपका जन्म नहीं, फिर तो सर ये होगा ना, अगस्त में इनका बर्थडे है और मूवी भी रिलीज हो रही है, मूवी इनकी तरफ से पार्टी में हर तरफ से बर्थडे है, डबल नहीं, मैं तो एक्चुअली मेरा जन्मदिन तो पहले हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो लोग गदर मूवी देखना चाहते हैं उन सबको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सर उसने पहले सर नहीं देगी, वो प्री सेसेस पार्टी भी दे देगी, तो प्रेमियर देखेंगे, प्रेमियर देख सकते हैं, प्रेमियर देखेंगे सर, एक्सक्लूसिव प्रीमियर देखेंगे, हां स्पेशल प्रीमियर में जाएंगे सर के साथ, तो स्पॉइलर मत दियो बस इसके बाद, नहीं प्रीमियर अलग होगा, मैं व्यूअर्स को प्री सेसेस पार्टी अपनी तरफ से, अपनी तरफ से, ये बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। प्री सक्सेस पार्टी, पोस्ट सक्सेस पार्टी तो बहुत होती है, पोस्ट सक्सेस पार्टी, अरे वो तो मूवी पार्टी, मतलब दो दो पार्टी करने का मौका मिलेगा ना, अलग कॉन्फिडेंस है, पोस्ट बोथ, प्री पोस्ट और मूवी देखते हुए पार्टी करेंगे, पॉपकॉर्न ओपन खाएंगे, इससे कहीं ना कहीं हम ये इनके चेहरे से और ये जो बोल रहे हैं प्री सक्सेस पार्टी, इससे पता लगा सकते हैं गदर टू उसी टीम का हिस्सा है। आप जब किसी टीम में शामिल होते हो चेहरे को गौर से देखो, अगर वो संतुष्ट है तो भाई मतलब कुछ ना कुछ तो बवाल कटने वाला है, तो गदर का फिर से बवाल कटेगा पर्दे पर, और पैसों की ऐसी बारिश होगी ना, मतलब ऐसी बारिश होगी, गर्मी तो और बढ़ जाएगी, अगस्त का महीना है, क्यों मैं घी से कर बस इतने ना हो गदर देखते देखते वो जो ऑडियंस है वो इतनी इमोशन हो जाए कि सनी सर वहां किसी और को मार रहा है उसको ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्सा कंट्रोल करना मजा आएगा, देखते हैं तो तुरंत को छेड़ के सकती है, ऐसा ना हो कि पीवीआर में जाके हम ही चेहरों को हड़ सर, जैसे अभी आपका तो तुम्हें भरना पड़ेगा, जैसे अभी आपने अक्षय सर के साथ काम कर लिया है और अभी आपने सनी सर के साथ काम कर लिया, अजय देवगन सर के साथ काम कर लिया, तो आपका अभी क्या एम्बिशन आगे की तरफ का आपका, थोड़ा अगर आप डिस्कस मतलब हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आपके, और क्या आपने कुछ एक वो तो सोच रखा होगा ना कि यार अभी ये और मेरे को अचीव करना है और इधर तक पहुंचना है और इस ये मेरा एक थोड़ा ड्रीम है। मैं बताता हूँ सर को अगला काम मेरे साथ है। आपकी कामयाबी का शोर आपकी ओर नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, यस जुबान से क्या ग्रेट पता चल जाएगा, पता चल जाएगा जल्दी, पता चल जाएगा सर, वेटिंग सब हम जानते हैं कि वो दिल बहुत दिन बहुत जल्द है, वेट आएगा, वेट लेकिन बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे जी सर, बिल्कुल। आप एकदम सीक्रेट के साथ, वही एक कहा जाता है ना कि अगर आपको मतलब बिना आप कुछ वो सीक्रेसी के साथ काम करो तो वो एक अलग एक्सप्लोजन लेके आता है, तूफान से आने की पहले की शांति, खामोशी है। तो सर इनमें से कोई है यूनिक जो गदर में आगे चल के उनके नेक्स्ट सीक्वल में कोई नजर आ सके, या उनके जैसे कोई एक्ट कर पाएंगे, कोई हैंडपंप उखड़ पाए, ये चेयर उठाने पे मतलब तुम चाहते हो तो मैं गदर 3 में लिया जाए, नहीं मुझे हमें लिया जाए, हमें लिया जाए, ठीक है, इस प्रकार की जो फिल्में हैं ना इतिहास में बहुत कम बनती है, जो खुद ही अपने आप में इतिहास होती है, कुछ फिल्में इतिहास लिखती हैं लेकिन कुछ फिल्में जो होती हैं खुद अपने आप में वो इतिहास होती है, उसके पीछे अपनी एक हिस्ट्री खुद होती है, हिस्ट्री ये कि जैसे किसका जो पार्ट वन आप देखते हैं तो उस पार्ट वन ने हिस्ट्री सिर्फ क्रिएट नहीं किया, लोगों के बीच लोगों के जेहन में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था, उसी समय खड़ा दिया था, क्या अनिल शर्मा जी इसका सीक्वल बनाएंगे, उसी समय से ही लोग पूछना चालू कर दिए थे, तो वो जो सवाल उठा रहा जैसे कि बाहुबली में कि कटप्पा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा,
तो उसी प्रकार का सवाल इसमें भी था, लोग इंतजार कर रहे थे कब बनाएंगे कब बनाएंगे कब बनाएंगे, लेकिन इतना तो वो उसकी सफलता ही तो इतना है। इतना गैप क्यों लिया सर, क्या वो वेट कर रहे थे कि उत्कर्ष बड़ा हो फिर हम इसका सीक्वल बनाएंगे? तो मुझे थोड़ी देर पहले बता दिया गया वो जो टाइम फ्रेम है ना उसको दिखाने के लिए, जो अंतराल है जो समय अंतराल जो होता है ना उसको दिखाने के लिए, मतलब वो रियलिस्टिक लगे। और आज भी उसका वही क्यूट सा फेस नजर आया। यस, तो गदर टू से के बारे में और जानने के लिए और उसकी चीजों के बारे में आपको समझाने के लिए आपको हमारा चैनल देखते रहना होगा, और आपको हम ऐसे ही बड़े बड़े एक्टरों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो फिल्मों से जुड़ी हुई और फिल्मों में किस प्रकार से उन्होंने काम किया है और वो आम जीवन के लिए आपके जीवन के लिए कितना कारगर हो सकता है। क्योंकि जब कोई एक अभिनेता फिल्मों में भी काम करता है और अपने जीवन को भी के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है तो ऐसे अभिनेता से मिलना बल्कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे बीच वीरेंद्र सिंह कमांडो आए और उन्होंने बहुत सारी ऐसी सी बातें बताई जो अनसुनी थी, जो एक मिस्ट्री थी, उनको जान करके बेहद खुशी हुई। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने के मिलेगी और मेरी उम्मीद है बल्कि मुझे भरोसा है, उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ के ऊपर तो जा सकती है। आप लोग क्या पठान ने रिकॉर्ड बनाया तो उसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए रिकॉर्ड हमेशा तोड़ने के लिए ही बनते हैं, तो ये ऐसे जो रिकॉर्ड जितने भी बॉलीवुड में सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं ना वो सब टूटेंगे, हर कोई टूटेगा। ऐसा नहीं कि इतिहास रुक गया, सलमान खान आ गया, शाहरुख खान आ गया, अक्षय कुमार आ गया, अजय देवगन आ गया, सनी देओल आ गया, तो मतलब कोई बड़ा एक्टर नहीं होगा भाई। पहले से धर्मेंद्र साहब थे, जितेंद्र थे, अमिताभ बच्चन साहब थे, और अमिताभ बच्चन साहब तो आज भी हैं भाई, अभी कुछ लोग उनसे मिलकर के आए। सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, सोते हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए। हाँ। तो शेर काफी दिन से सो रहा था। हाँ। तो दहाड़ तो होगी। yes. दहाड़ होगी, हैंडपंप उखड़ेंगे, ट्रक उड़ेंगे। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अभी आपने देखा कि गदर टू में काम करने वाले एक्टर वीरेंद्र सिंह कमांडो, जिन्होंने एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर निभाया। अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि सनी साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में कितनी महत्वपूर्ण फिल्में दी हैं और उनको किस प्रकार से हमारे भारतीय डायरेक्टरों ने पोर्ट्रेट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म जी थी बेताब, और उसकी हीरोइन मतलब थी अमृता सिंह। अमृता सिंह की शादी सैफ अली खान से हुई थी और उसमें एक अच्छी लव स्टोरी दिखाई गई है, और उसमें एक बहुत मेजर कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया था हमारे सम्मी कपूर साहब, जो कि एक उम्दा कलाकार थे। और उसकी कहानी मतलब आज की तारीख में कहा जाए तो मतलब एक नॉर्मल कहानी है, लेकिन उस समय जो फिल्म ये आई थी तो बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने काफी तारीफ की थी, क्योंकि जिस प्रकार से उनको वहां पर पोर्ट्रेट किया गया था, मतलब एक लड़की है जो एक अमीर घर की लड़की है, काफी अमीर घर की लड़की है, फिर उसको एक लड़का लेके आता है, किडनैप करके लेके आता है, फिर दोनों के बीच जिस प्रकार से प्यार पनपता है, वो उस समय जब फिल्म आई थी तो उस समय ऐसी कहानियां अक्सर आपको चारों तरफ सुनने को मिलती थी। उसमें जो गाने थे, गाने लाजवाब थे, क्योंकि उस समय गाने लिखने वाले जो थे बहुत मेहनत से गाने लिखते थे। आज की तरह जो गाने नहीं है कि मतलब कि आपने सुना, मतलब बताइए कि क्या आप तुम्हें कोई ऐसा गाना है जो भी आज की फिल्मों का जो आप गुनगुना सकते हो? बहुत कम होते हैं, बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। क्या पठान का गाना नहीं है, चल रहा है, है चल रहा है, ये तो अभी रिसेंट है। जो पुराने जो गाने थे 90s के गाने थे, उनके जो लिरिक्स होते थे वो सीधा मतलब हार्ट टच करते थे, और म्यूजिक बड़ा कैची सा होता था, ट्यून होती थी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो जिस तरह की धुन बनाते थे वो बड़े कैची से होते थे। आजकल क्या होता है, आजकल रिपीट टाइप हो, बेस मतलब बेस ज्यादा होता है, नींद आ जाएगी।
मतलब इतना बोर था। म्यूजिक से याद आया बेटा, मैं आरडी मर्मू साहब ने म्यूजिक किया था। आरडी मर्मू साहब ने किया था, लता मंगेशकर गायक थी हूं मैं। हां लता मंगेशकर ने गाना गाया था जी। मुझे गाना याद है, मुझे तब याद है, मुझे रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैं तब हम जब जमा हूं बिल्कुल हां जाने कहां होंगे। इस प्रकार के गाने थे जो कि आपके ओठों पर थिरकने लगते थे। कहीं से भी म्यूजिक जब आपको सुनाई देता था तो आप उससे अपने आप को कनेक्ट करते, अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, एनर्जी आ जाएगी। आप एक चीज देखने वाली बात है, जैसे कि हम उस टाइम हमारा बर्थ नहीं हुआ था, 1983 की ये मूवी है, अभी भी आपने मतलब एक लाइन हमें पता चली और हमें पूरा सारी चीजें रिकॉल हो गई, एनर्जी आ गई, वो फीलिंग आ गई। वही साल है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता। आजकल की म्यूजिक में क्या है, सोचना पड़ता, अच्छा हाँ यार ये वाला गाना था, लेकिन पहले के म्यूजिक गाना मूवीज मतलब एक अलग ही लेवल होता था। काफी काफी बखूबी से लिखा गया था, जावेद साहब ने लिखा था फिल्म को। ओ जी, सलीम जावेद की एक जोड़ी एक जमाने में बहुत मतलब धुआंधार प्रदर्शन की फिल्में करती, जैसे की जंजीर, डॉन, शोले और दीवार को भी। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस राइटर ने लिखा है, जिस राइटर ने भी लिखा है वो कमेंट करके बता दें। लेकिन बेटा आप सिर्फ जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी क्योंकि सलीम जावेद उसके बाद वो कुछ फिल्मों के बाद काम करना छोड़ दिया था एक साथ, तो ये उन्होंने लिखी थी। तो बेटा फिल्म में कुछ महत्वपूर्ण गाने क्या थे, मतलब गूगल बाबा है तो इससे भी चेक करके बता सकते हो, क्योंकि याद नहीं यार आजकल का यूथ जो है वो मोबाइल्स और वीडियो गेम्स और बहुत सारी चीजों में इतना ज्यादा पब्स, उस समय पब्स का कल्चर नहीं था। अच्छा हाँ, लेकिन जो आरडी बर्मन साहब का जो म्यूजिक था ना वो आपको ऐसे हम भी आजकल के युग में सबसे पॉपुलर जो अभी हम सब गुनगुना रहे थे यही था। हाँ, जो अब गुनगुना रहे थे, हम गुनगुना रहे थे ये वाला गाना कौन सा था, अभी जो गुनगुना रहे जब हम जवान, ये सबसे पॉपुलर गाना था उस फिल्म का। ये मैं इसलिए मुझे याद है कि हमारे जो भैया थे वो गानों के बहुत बड़े शौकीन थे, तो अक्सर जब वो रेडियो पर गाने बजते थे तो वो सुनते थे। तो मैंने एक दो बार सुना, हमको बोले अबे पढ़ाई पे ध्यान दे। तो लेकिन होता नहीं, मतलब जैसे घर में आपके यहाँ जो चीजें लोग बड़े लोग करते हैं उसको देख करके आपको भी करने का मन करता, तो मेरा भी मन मतलब गानों को की तरफ चला गया, फिर मैं भी उन गानों को सुनने लगा। बात है कि स्टोरी पर, जैसे कि आज अगर आज की तारीख में देखा जाए कि हमारा जो सिनेमा इंडस्ट्री है कहीं सब नहीं लग रहा कि वो एक कंटेंट उनको मिल ही नहीं रहा। पिछले 10 साल में ऐसी कोई फिल्म बताओ जो इतना अच्छा कंटेंट हो, वही चीजें ना सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको याद आएगा मुगले आजम, तीसरी कसम, लैला मजनू, ऐसी कुछ फिल्में हैं कि मतलब आज भी आप उनको देखोगे, चाहे वो टीवी पर आती है या कहीं पर भी आती है, लेकिन पिछले 10 साल में मतलब फिल्में अच्छी आई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्में अच्छी नहीं बनी, लेकिन वैसे राइटर नहीं। इसका मेरा मेन रीजन सोचने का मतलब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये मेरे को लग रहा है क्योंकि पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत सोसाइटी की जो अंदर की चीजें होती थी या तो उनको प्रॉपरली ब्रेक करने की कोशिश की जाती थी या तो उसी से रिलेटेड बना दी जाती थी। और मतलब सिनेमा में पीरियड्स आए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन का एक एंग्री फेज आया था, एक उनका दौर था, फिर उसके बाद थोड़ा रोमांस का फेज आया जब शाहरुख खान और ये सब लेकर आए, हाँ फिर एंटी हीरो का फेज आया था, एंटी हीरो का फेज आया, फिर उसके बाद रोमांस का फेज आया, चॉकलेट बॉय का फेज, चॉकलेट बॉय का फेज आया। तो ये या फिर तो सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करो या तो सोसाइटी के साथ जो जो रिलेट कर पाए, जैसे आप भी बोलते हो कि जो सिनेमा है वो एक सोसाइटी का आईना है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं देखिए मैं जब स्कूल टाइम में था तो सलमान खान एक फिल्म आई थी, उन्होंने नीचे से पैंट को फाड़ा था और नंगा बदन पूरा और बॉडी का प्रचलन था और गिटार लेकर के प्यार किया था डरना, मुझे प्यार उस समय हुआ नहीं था इसलिए, लेकिन मतलब
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड जो सिनेमा है वो एक ट्रेंड को सेट करता है, ट्रेंड सेटर। हाँ कि मतलब कि जैसे इनको देख लीजिए, मतलब इन्होंने जो जैकेट पहना हुआ है, इस जैकेट को देख करके मुझे ऐसा लगा कि यार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने शोले फिल्म में एग्जैक्ट यही पहनी हुई थी, और अभी फिर से लगता है कि मतलब वो ट्रेंड वापस आ गया। हाँ जैसे कि बालों का बड़ा रखना, पहले से बाल रखने के बाद बोलते क्या बिटिनी हो क्या भैया, कहाँ हो गया है आपको, इतने बड़े बड़े बाल कहे रख लिए हो अभी आज की तारीख में। मतलब बड़े बाल पठान में शाहरुख खान ने रख लिया, और कहीं ऐसा तो नहीं पठान में शाहरुख खान ने सलमान खान ने रखा है, किसी की भाई किसी की जान, सलमान खान ने, इससे पहले सलमान खान ने तेरे नाम में रखा था, और फिर सूर्यवंशी में वीर एग्जैक्टली। मुझे भी लग रहा है कि मतलब ट्रेंड जो है वैसे, हाँ कहा जाता है इतिहास तो अपने आप को दोहराता है, लेकिन बात यह है कि यार कहानी क्यों खत्म हो रही है, मतलब ये जो देश है, मतलब ना कहानियों का देश है, हर घर में आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी, हर आदमी की अपनी कहानी होगी, तो ये कहानियां क्यों खत्म होती जा रही है। जैसे पहले क्या कि ये एक्शन होता था, पहले की मूवी में एक्शन होता था लेकिन वो एक्शन देखने में भी अच्छा लगता था, आज की मूवी में एक्शन होता है लेकिन वो थोड़ा ड्रामेटिक सा लगता है। ऐसा तो नहीं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमारा जो बॉलीवुड है एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो उतनी चार सारी चीजें होते हैं, कहते हैं कि अभी इंडिया में सबसे अच्छा वेफर्स कौन कर रहा, रेड सीरीज कर रहा, तो वैसे वैसे आपके पास स्टूडियो होने चाहिए, अच्छे स्टूडियो, तभी वो फिल्मों में यूज किए जाएंगे। जैसे कि इससे पहले 2.0 आई थी, उसमें कुछ आपको अच्छा देखने को मिला, पेपरार में देखने को मिला, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में देखने, जीरो में देखने को, हाँ जीरो में तो कमाल का था। और अभी हाल ही में मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र में तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं हासिल की, क्योंकि दर्शकों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर क्या वजह रही होगी उस चीज की, देखिए बेसिकली क्या है कि बात यह है कि स्टारडम, जैसे वो जो सनी देओल का एक फेज था, लेकिन उसमें तीन खान एक तरफ, सनी देओल एक तरफ, क्योंकि आमिर खान और सनी देओल की बहुत सारी फिल्में एक एक साथ रिलीज हुई, हमेशा क्लैश हो जाती थी। हाँ। ये घातक दिल, हाँ। नहीं घातक दिल या राजा हिंदुस्तानी के साथ आई थी, जैसे इसमें लगान और गदर तो वो एक कंपटीशन नहीं था लोगों के बीच, लेकिन क्या था कि सनी देओल 10 साल बड़े भी तो थे, मतलब 1983 में उन्होंने अपना डेब्यू किया, आमिर खान ने 93 के आसपास कुछ किया, लेकिन पुराना चावल खाने में ज्यादा अच्छा लगता है या मटर के साथ चावल या चिकन के साथ, हां तो काफी सीनियर है, काफी काफी सीनियर है, सीनियर है, लेकिन अभी भी तो चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जैसे कि ये ब्रह्मास्त्र में भी ये अमिताभ जी थे, और ये विपुल कपाड़िया, रणबीर कपूर थे, विपुल कपाड़िया पे, विपुल कपाड़िया, चलो ये तो चलो, जैसे रणबीर कपूर, शाहरुख खान और ये सब लोग, मतलब शाहरुख खान नहीं, रणबीर कपूर स्पेसिफिकली, और फिर अब रणवीर सिंह आ गया, ये सब लोग तो चलो हम लोग थोड़ा जानते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे सनी देओल की जब मूवी आई तब मैं पैदा नहीं हुआ, मैं 16 साल बाद पैदा हुआ था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तब लोगों का सनी देओल को लेकर क्या एक क्या क्रेज था, जैसे हम लोग हीरोज को लेकर जैसे रणबीर कपूर और इनको देखकर एक एक वो बनाते हैं कि ऐसी इमेज होनी चाहिए थी, तो आप लोग आपके टाइम पे ऐसा कुछ होता था कि मतलब इसको देखकर आप इंस्पायर हो या इसको देखकर इंस्पायर हो? देखिए जैसे सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन जो कॉलेज में लोग जाते थे तो जो थोड़ा सा पावरफुल होता था, जिसके 8-10 चमचे होते थे, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। अच्छा हाँ, अक्सर आप शाहरुख खान की मूवी देखेंगे या सलमान खान की मूवी देखेंगे, अक्षय कुमार की कुछ मूवीज देखेंगे, तो उसमें सारी चीजें दिखाई गई है, और अगर सनी देओल की मूवी देखेंगे तो उनको हमेशा लोगों से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है, उनकी जहाँ 3 हीरो वाली फिल्में देखिए, जहाँ 2 हीरो वाली फिल्में देखिए, लार्जर देन लाइफ, यस, क्योंकि उनकी इमेज को ही ऐसे पोर्ट्रेट किया गया, क्योंकि देखिए बेसिकली वो किसके सुपुत्र, धर्मेंद्र, जब धर्मेंद्र ही सिनेमा में जब आते थे तो उनको भी ऐसे पोर्ट्रेट किया गया था, तो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि हर एक्टर जो होता है ना, जब भी किसी एक्टर की कोई संतान आती है वो कोशिश करता है कि अपने पिता के आसपास वो करे, जैसे कि हमारे भारतीय सोसाइटी में ये परंपरा रही है, तो सनी देओल साहब के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक तरफ धर्मेंद्र ने जो इतना बड़ा, वो जो किसी भी एक्टर से कभी पीछे नहीं रहे,
उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, संजय कुमार के साथ काम किया, बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया, उसी समय जितेंद्र, मतलब धर्मेंद्र के जमाने में तो बड़े बड़े एक्टर लोग काम कर रहे थे भाई, एक्टिंग लाइन में नसीरुद्दीन शाह और ये सब, ये सब तो बहुत बात के धर्मेंद्र, अच्छा। से बहुत बात के एक्टर हैं धर्मेंद्र तो, अच्छा। बहुत बड़े, उनके एक फिल्म आई थी चुपके चुपके जिसमें कमाल का मतलब एक कॉमेडी थी, अमिताभ बच्चन साहब भी थे, लेकिन एक कहते नहीं जो केमिस्ट्री थी वो, जो आप भाई आपने बोला कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र वो केमिस्ट्री नहीं दिखाई, वो अब जब दो एक्टर के बीच केमिस्ट्री ही नहीं है तो कैसे, उसमें एक शाहरुख खान में जो कैमियो था वो थोड़ा बहुत अच्छा था, और एक जो साउथ का वही अच्छा था, ठीक है ना, वो बेस्ट था। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिससे आपने पूछा कि कैसे देख रहे, देखिए मैं उस वक्त सनी साहब की फिल्म देखा था जीत, और जीत में हीरो थे सनी देओल और सलमान खान और करिश्मा कपूर। तो उस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो थे सनी साहब, ये गुंडा होते हैं, अच्छा। लोकल गुंडा होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल, मतलब लोग उनसे डरते थे एकदम पूरा। इनको एक लड़की दिखाई देती है, मतलब यानी कि करिश्मा कपूर, ठीक है। अब ये करिश्मा कपूर इनको देखकर सहमी जा रही, सहमी जा रही, सहमी जा रही, सहमी जा रही, एकाएक गुंडा आकर के एक चाकू मारो भाई, सनी साहब पकड़ लेते उनकी, लग जाती है चोट उसको देख करके, मतलब जो लड़की डर रही थी, डर रही थी, उस प्यार आ जाता है उसके प्रति, अच्छा। हाँ, उसमें एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, सनी साहब डिप्स मार रहे हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, अच्छा। मतलब पावर को कैसे, मतलब पोर्ट्रेट किया गया, मतलब सोचिए आजकल पावर को पोर्ट्रेट करने के लिए हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, पहले ऐसे नहीं होता, पहले उसको रियलिस्टिक बनाया जाता, पूरा अप्रोच ही पूरा सिनेमा को देखने का और सिनेमा को बनाने का, और जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जो स्क्रीन प्ले लिखने वाले लोग थे, वो सब उनका अप्रोच ही बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था, ठीक। तो वो डिप्स मार रहे हैं, वो बच्चा है बैठा हुआ है, तो मतलब सोचो कि जब करिश्मा को डर नहीं होती, तो उसके बाद वो उसके पास वहां जाती है, तो दोनों के बीच प्यार। अब सनी साहब एकदम पूरा सही हो गए, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं, मतलब अक्सर जब प्यार में लोग जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, और तुम्हें भी तो प्यार हुआ होगा, तुमने प्यार नहीं किया क्या, जो मुस्कुरा रहे की बातों पर, और तुम्हें भाई छोड़ो प्यार की बात तो हमेशा, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा है, बिना प्यार के तो कुछ हो नहीं सकता, माता पिता से प्यार, बहन से प्यार, भाई से प्यार, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है, तो कहानी पर सर, हाँ तो कहानी पर ही मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि उसमें दोनों को प्यार हो जाता है। अब जब दोनों को प्यार हो जाता है तो करिश्मा कपूर जो होती है बहुत बड़े घर की होती है, बिजनेसमैन की बेटी होती है, ठीक है, तो वो अपने घर वालों को पता चल जाता है, तो घर वाले देखते हैं स्टेटस की बात आ गई, मतलब कि एक गली का गुंडा और हमारी बेटी यहाँ, तो किसी तरह से उन दोनों के मतलब नहीं हो पाता है, तो करिश्मा कपूर की शादी जो है सलमान खान से हो जाती है, अच्छा। समझे, अब सलमान खान से जब हो जाती है तो दोनों लोगों को, उधर वो बेचारी धीरे धीरे अपने बाप को, उसका बाप शायद बीमार हो जाता है कुछ, मतलब वो शपथ लेता है कि मतलब तुम अगर तुमने उससे एक्टर से, मतलब एक्टर मतलब मेरे कहने मतलब सनी देओल से अगर आपने शादी की तो मतलब मैं ऐसा कर लूंगा, तो बेहोश होकर वो जो लड़का उसके बाप ने पसंद किया था, उसके दोस्त का बेटा होता है, उससे उसकी शादी कर देते हैं। अब आप सोचिए, मैं इस प्यार की इसलिए बात कर रहा था कि उस फिल्म में प्यार को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक तरफ करिश्मा कपूर को प्यार था सनी देओल साहब से, वहीं पर एक तवायफ का रोल किया था तब्बू ने उस फिल्म में, और इतनी संजीदगी के साथ निभाया था, कुछ बात नहीं, और वो जो तब्बू वाला जो करेक्टर था वो सनी साहब से प्यार करता था, अच्छा, हाँ, और सनी साहब उसको भाव नहीं दे रहे थे, तो बात ये हो रही कि उसमें प्यार को कितना तवज्जो दिया जाता, हाँ, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या था उस समय, इसका मतलब सोसाइटी में रहा होगा, तो बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब जब करिश्मा कपूर पर कुछ कुछ विपत्ति आती थी, सनी साहब आकर के उसको बचा लेते, संभाल लेते थे, हाँ संभाल लेते थे। और ये था कि पहले की मूवी में एक चीज बहुत होती थी, क्या होता था, जैसे ये प्यार के बारे में बोलना चाहूंगा कि लड़का लड़की होते, जैसे लड़की होती थी वो बड़े घर की होती थी, मतलब अच्छे बिजनेसमैन या किसी रईस बाप की बेटी होती थी, और जो लड़का होता था उससे प्यार करता था वो लो फैमिली से आता था, तो जैसे पहले की मूवी में होता था उसको, उसके परिवार को पता चलता था, उसके पापा को पता चलता था, तो वो कहते थे लड़के से मिलके कि ये लो ब्लैंक चेक,
इसमें अपनी कीमत भर लो और मेरी लड़की की जिंदगी से निकल जाओ। तो ये सब चीज होती थी कि आजकल के टाइम पे ऐसी चीजें मतलब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आजकल भी तो ऐसी लव स्टोरी होती है। देखो आजकल पहले में दो फर्क, देखो उस वक्त क्या था कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो उसी समय जागीरदारी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था थी, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि जो आपके ख्वाब होते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं, और बेसिकली क्या होता है जिस सोसाइटी में आप जी रहे होते हैं उसको सब कुछ आप जी चुके होते हैं, और जैसे दूसरी सोसाइटी का आप देखते हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण हो जाता था। जो बड़े बड़े घर की लड़कियां थी वो जो गाँव का पूरा आता था, खाया पिया दूध घी मट्ठा खा करके एकदम पूरा शरीर बनाया होता, तो उसको देख करके सुडौल मतलब शरीर देख करके इंप्रेस हो जाती थी। तो वो कहानियां इसीलिए लिखी जाती थी कि वैसा वाकई उसमें कल्चर था। अच्छा हाँ। कहानी से याद आया, जैसे कि हम गीत की बारे में बात कर रहे थे, वो 1995 में शायद रिलीज हुई थी। हाँ। तो उसके 5 साल पहले हम थोड़ा आगे पीछे जाते हैं, घायल। हाँ। घायल जब रिलीज हुई थी तो उसका कैसा था सर? देखिए घायल जब रिलीज हुई थी उसकी कहानी भी बहुत अच्छी थी, वो भी एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक। सामंतवादी व्यवस्था जो है टूट रही थी बेसिकली, ठीक है ना, उसमें भी जमीन घर इन सब सारी चीजों को लेकर के दिखाया गया। मतलब क्या होता है कि जो उसमें जो होता है कि मतलब वो उसके सब माता पिता को साथ अत्याचार किया जाता है, तो वो बदला लेने के लिए एक रिवेंज को उसमें दिखाया गया है। वो जो रिवेंज है जो रिवेंज ड्रामा की तरफ, हाँ वो दिखाया गया। वो उसमें कल्चर था सोसाइटी में, क्योंकि क्या हो रहा था कि लोगों के पास उतनी जमीन नहीं थी, और उतना सरकार के पास वो नहीं था कि मतलब कि सभी को तरफ ध्यान दिया जाए, और कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे। उस समय लोकल गुंडे बहुत थे, क्योंकि वो जो सिनेमा आया था तो भी भारत को आजाद हुए ज्यादा समय हुआ नहीं, समझे, तो उस चीज को दिखाया गया। तो वो कैसे रिवेंज लेता है सनी देओल, वो बहुत ही बखूबी पर्दे पर उतारा गया। और इनके जो निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी जी, उनकी पहली डायरेक्टरियल डेब्यू थी। यस, और इसे राजकुमार संतोषी साहब तो उस फिल्म के बाद उन्होंने लाइन लगा दी थी। सनी देओल के साथ भी काफी सनी देओल राजकुमार संतोषी की जोड़ी एकदम घातक भी उन्होंने बनाई थी। घातक दामिनी, हाँ दामिनी बनाई थी उसके बाद उन्होंने, और घातक में भी तो वही चीज है ना, कात्या जो होता है मुंबई का डॉन होता है जिसको डैनी साहब ने पोर्ट्रेट किया था, उसमें अगर लव स्टोरी की बात करें इसमें भी लव स्टोरी थी, वो रोमांस देख के जब मैं पहली बार मुंबई आया वाकई में सचमुच, तो मुझे लगा काश ऐसा मेरे साथ हो, कोई एक लड़की मिलती और जो मुझे मुंबई का पूरा दर्शन कराती। मतलब उस फिल्म को आप देखेंगे ना तो आपको लगे यार आपके साथ ऐसा होना चाहिए। तो काफी मतलब ऐसी वो मूवीज बनाते जिससे हर इंसान जो है वो भी इमेजिन अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाए कि यार ये मेरे साथ होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। जी हाँ। इसके साथ साथ वो सोशल मैसेजेस पे भी तो कवर करते थे, जैसे कि एक वो दामनी फेवरेट हाँ दामनी फिल्म थी। हाँ। जैसे दामनी जो फिल्म थी उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था। बेसिकली क्या होता है कि संपन्न परिवार होता है, उसमें मीनाक्षी सेसाद्री ने काम किया, ठीक है, और तो उसी घर में एक नौकरानी रहती थी, ठीक है ना, और उस नौकरानी को वही उनका जो देवर होता है वो रेप कर देता है। तो घर वाले मिलकर के उस चीज को दबाना चाहते हैं कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो, कुछ नहीं हो, मतलब किस तरह की बाहर मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मतलब ये सारी चीज हुआ, बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो मीनाक्षी सेसाद्री थी वो इसके खिलाफ एक आवाज उठाती, क्योंकि हमारे देश में हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में नारियों का शोषण हुआ है, नारी को एक वस्तु के रूप में देखा गया है। आज की तारीख में देखा जाए नारियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, एक नारी सशक्तिकरण का जो एक आंदोलन चला उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। वो सब फिल्में जो थी ना उनका भी प्रभाव है, तो उसमें जो आवाज उठाती है, तो फिर उसी फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार था चड्ढा का, और उस रोल को पोर्ट्रेट किया था अमरीश पुरी साहब, वो वकील थे, ठीक है। अब सारे लोग उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर अमरीश पुरी उनको करने जा रहे हैं। अब उसको किया जा रहा है कि वो मीनाक्षी के ऊपर घर से इसको प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, इतना उसको अत्याचार किया जा रहा है, तो घर से भागती है। वो जो एंट्री है
सनी देओल का, वो भी अच्छा लगता है। अच्छा। वो एकदम पूरा नशे में धुत है और एक ऐसे लिया और सिगरेट जलाता है, आके वो पीछे से पकड़ गुंडे उसको मतलब कर पकड़ लेती है, फिर पकड़ते हैं फिर एक को आते हैं, फिर ये धूम घूसा मारते उसमें डूम 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 हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दामनी वाला जो सीन है ना वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, और फिर पता चलता है कि जो रविंद्र साहब जो रोल पोर्ट्रेट कर रहे थे वो भी वकील है। फिर वो उस लड़की की जो जंग है ये अपनी बना लेते हैं, मनाते हैं और जाके अदालत में ये लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो संवाद है कोर्ट का, जो कोर्ट ड्रामा जो सीन क्रिएट किया गया है अमरेश पुरी और सनी देओल साहब के बीच, वो सीन वो संवाद आज तक कोई भी एक्टर बॉलीवुड में नहीं बोल पाया कि जब साहब तारीख पर तारीख, वो इतना लंबा है और इतना पावरफुल, इतना इंपैक्ट फुल है कि मतलब आप जो सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बल्कि वो जो डायलॉग है वो आज की डेट में भी बहुत वैल्यू है उस डायलॉग का, मैसेज के तौर पे भी, और जो उसमें वो बात कह रहे हैं उस पे भी, कि इतनी इतने सारी चीजें हो रही हैं, इतनी सब चीजें, लेकिन आप सिर्फ डेट पे डेट डालते हो, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। yes. तो वो फिल्म उस समय बहुत कल्ट थी, उस फिल्म को बोला जाता है कि फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को, शायद नेशनल अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को। वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी, सनी साहब का बहुत छोटा रोल था उसमें, बहुत देर बाद उनकी एंट्री होती है उसमें, ठीक है, लेकिन जो रोल है ना वो वाकई बहुत अच्छा। बहुत सारे कोर्ट ड्रामास भी हैं लेकिन उसको नहीं, वैसा आज तक कभी किसी ने फिल्मा नहीं पाया। डायलॉग के साथ साथ ये भी चीज होती थी कि जैसे अभी मूवीज आ रही है, जो हीरो होते हैं हीरोइन होती है उनका ड्रेसिंग सेंस हो गया या हेयर स्टाइल ले लो, आजकल इतना कॉपी नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था कि उस चीज को लोग कंटिन्यू रखते थे, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके हेयर स्टाइल, जैसे अभी के हाल ही में तब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तेरे नाम को ही ले लो, कितने लोगों ने उनको कॉपी किया, सलमान खान जी। तो जैसे आजकल देशभक्ति की फिल्में आ रही हैं, अभी हाल ही में पठान रिलीज हुई थी, सनी साहब ने 1997 में बॉर्डर की थी। हाँ, अच्छा उसका गाना मशहूर, संदेश से आते हैं, उसमें बहुत सारे एक्टर थे, बहुत जैकी श्रॉफ थे, सनी साहब थे, सुनील शेट्टी थे, अक्षय खन्ना थे। वो फिल्म जेपी दत्ता ने डायरेक्ट की, ठीक है। उस फिल्म का हमको जो सबसे महत्वपूर्ण घटना लगती है कि जब हमारे जो भारतीय जवान थे अटैक करते हैं तो जो पाकिस्तान सेना भागने लगती है कि रुक जाते हैं, बोलते हैं कि हम पीछे से वार नहीं करें, क्योंकि वो भी एक सैनिक है, वो भी अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, लेकिन अब वो जा रहे हैं तो उनको जाने दो। तो वो फिल्म वाकई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी हिट साबित हुई, बहुत हिट साबित हुई थी। उसमें सनी देओल साहब का बहुत बढ़िया रोल था, बेसिकली वो किस प्रकार से कमांड को संभालते हैं, कैसे निर्देशित करते हैं, वो वाकई लाजवाब था। और उसमें देखिए बेसिकली क्या होता है कि वो फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी थी। बेसिकली उस फिल्म में क्या दिखाया गया था, जैसे कि अगर मैं सुनील शेट्टी वाले रोल की बात करूं तो उनकी भी नई नई शादी हुई है, लेकिन वहां से ऑर्डर आ जाता है, उनको जाना पड़ता है, और अक्षय खन्ना को अभी पूजा भट्ट से प्यार हुआ है, ठीक है। और जो अक्षय खन्ना की जो माँ है वो अंधी है और वो अपने बेटे के इंतजार में बैठी हुई है। और एक उसमें होता है कि वो उसमें एक लेटर बहुत अच्छा कि अब छत चू रही है, एक जो लेटर आता है, और फिर एक प्रसंग है जो मथुरादास जो छुट्टी मांगता है, तो उस सीन को जो मथुरादास वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सही जैसा निकल गया, सोचो वो उसको ऐसे हड़काते हैं कि वो जा नहीं पाता, जा करके भी वापस आ जाता है। तो फिल्म में सर एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि एक इंडियन आर्मी जो होता है उसका पर्सनल लाइफ नहीं होता है, यस, पर्सनल लाइफ को भूलकर उनको प्रोफेशनल लाइफ में जीना पड़ता है, या, जी। और वो जैसे हम कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी जो आर्मी वाला होता है वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वैसे देशभक्ति फिल्म सनी देओल साहब ने कई फिल्में की, जैसे तो ऐसी फिल्म की है। तो अभी लोग गदर को भी
एक प्रकार से देशभक्ति फिल्म के रूप में ही देख रहे हैं। लेकिन बात हो रही है कि उनके और बहुत सारे, जैसे कि अर्जुन पंडित, अर्जुन पंडित जब आप देखते हैं तो उसमें भी वही मासूमियत भरा चेहरा और फिर बाद में एक ऐसा अवतार, तो जो चेंजेज है, बात यह है कि वो फर्स्ट हाफ में ऐसे रहेंगे, सेकंड हाफ में ऐसे रहेंगे, बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे शेड्स उनके किरदार में आपको, उनकी फिल्मों में आपको देखने को, एंटी हीरो से हीरो बना इस फिल्म में वो, या सामने देखा फिल्म वो, हाँ है ना, उसमें ये थी जूही चावला थी, जी हाँ। तो जैसे कि आप सनी देओल साहब की बहुत सारी फिल्में आप देखते हैं तो उसमें आप को लगेगा कि आधा घंटा ऐसा किरदार निभा रहे हैं, फिर तो आधे घंटे बाद ऐसे किरदार निभा रहे हैं, तो उनका पूरी एक श्रृंखला है फिल्मों की, समझे, और उसे वो संवाद अदायगी के लिए जाने जाते हैं, जो कि गदर में जो एक प्रेम कथा थी उसमें भी ये देखने को मिला था और गदर टू में भी ये देखने को मिलेगा। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा भी होगा जैसे कि पहले सनी देओल जी ऐसे एक्ट करते थे, अब सडन उनकी मूवी आई थी एक चुप चुप, हाँ। उसमें वो बिल्कुल अलग थे, उन्होंने गुस्सा तो किया, हाँ। बट उस प्रकार का नहीं था जैसे वो पहले किया करते थे, हाँ। तो क्या हो सकता है कि गदर में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है? गदर में नहीं, उनका एक सडन चेंज था, सडन चेंज था, गदर में वो लाउड ही रहेंगे और प्लस वो भारी भरकम संवाद मिलेगा आपको, क्योंकि वो उसी का सिक्वल है, तो वो उसी प्रकार का कैरेक्टर है, कैरेक्टर के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। सर ने बोला है कि शेड रहेंगे तो शांत दिखाई देगा, फिर कुछ होगा, फिर एकदम लाउड हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये तो वर्सेटैलिटी भी एक्टर्स करने के लिए, अपनी वर्सेटैलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए और प्रूव करने के लिए भी करते हैं कि अच्छा ये वाले कैरेक्टर में बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, अब इसको चुप थोड़ा सा मैं शाय और वो सब चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई मतलब एक्टर्स चेंजेस करते हैं, जैसे इनको ले लो आप अजय देवगन साहब को, उन्होंने एकदम से चेंज करना स्टार्ट कर दिया, वो पहले भी एक्शन करते थे, फिर कॉमेडी में आए, फिर कॉमेडी करते रहे, इंटरन ड्रामा में आए, सुनील शेट्टी साहब थे वो भी पहले एक्शन वगैरह करते थे, अब फिर वो भी सडन गोलमाल से कॉमेडी में आए, तो हो सकता है कि एक ये चीज भी देखने को मिले। नहीं नहीं जितना चेंजेस तो नहीं मिले, चेंजेस तो नहीं है मतलब, लेकिन अब जब तक गदर को उसी किरदार को आगे बढ़ा रहे हैं ना, हाँ उसी किरदार को आगे बढ़ा रहे हैं, सालों बाद दिखाया जाएगा, हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आप उसी सीक्वल को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो किरदार आपको वैसे ही गदर टू में देखने को मिलेगा, जर्नी अलग होगी, हाँ जर्नी उनकी अलग होगी, हाँ क्योंकि जो बेटा उनका उत्कर्ष शर्मा था पहले वो छोटा था, अब वो उनके साथ रहेगा, बड़ा हो सकता है कि उनका भी एक नया रूप हमें देखने को मिल जाए। देखो अक्सर कुछ आलोचक जो होते हैं सनी साहब के बारे में बोलते थे यार ये सिर्फ चिल्लाता ही, तो उन्होंने उनके उस मिथक को तोड़ा, जैसे कि मोहल्ला सिंह की फिल्म आई थी, उन्होंने उसमें जो किरदार निभाया था एक पंडित का, मतलब इतना डाउन टू अर्थ वो किरदार था, मतलब वो कहीं पर भी उससे इधर से उधर भटकते नहीं है, पूरा एक कंप्लीट वो किरदार था मोहल्ला सिंह, ठीक है, उसमें उन्होंने प्रूव कर दिया यार मैं ऐसा जो किरदार निभाता हूँ अर्जुन पंडित या बेताब और घायल घातक जीत दामनी इन सब में, इसलिए कि ऑडियंस चाहती है, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा किरदार नहीं निभा सकता जिसमें अभिनय से परिपूर्ण ना हो, मोहल्ला सिंह और चुप ये जो दो फिल्में थी दोनों फिल्मों में उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। मोहल्ला सिंह जो थी काशीनाथ की लिखी हुई किताब के ऊपर बनी हुई उसका उपन्यास, तो उसके बाद पर्दे पे यहां पर कौन सी मोहल्ला सिंह, देखिए पर्दे पर नहीं आ पाई लेकिन उसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने पसंद किया, बहुत ज्यादा पसंद किया, वो तो किया होगा नो डाउट, हर एक कैरेक्टर ने उसे बहुत अच्छे से काम किया। इन सबको देखते हुए मतलब मेरा एक क्वेश्चन सा है कि जैसे कि हर एक एक्टर का फेज आया, हाँ। तो मतलब जो अभी सनी देओल का बीच में फेज थोड़ा डाउन हो गया था, तो इसको मतलब क्या इसकी वजह क्या रही होगी, बाकी एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया या फिर क्या आपके हिसाब से क्या रहा हो, क्योंकि आपके टाइम पे सनी देओल नहीं, नहीं जैसे कि बेसिकली इसकी वजह मेन वजह इसकी रही है कि सनी साहब की जो आवाज है वो बहुत अच्छी थी और बहुत एनर्जी